Hello and good morning everyone. Welcome you to this batch of CA Intermediate Audit, which we call as the Power Batch. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी CA Intermediate की ऑडिट की पावर बैच में, जो होगी पूरी की पूरी YouTube पर। और क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम इस बैच में पूरे CA Intermediate ऑडिटिंग एंड एथिक्स चैप्टर की कवरेज। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल रिविजन होगा दोस्तों, जिसमें हम पूरे चैप्टर को आपके सिलेबस के सारे 11 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। और कैसे होगा ये रिवीजन, ड्रोन चार्ट्स के जरिए। ड्रोन चार्ट्स ये क्या होता है, पूरे आपके ऑडिट को आप यूं समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ 150 पेजेस में समेट लिया है हमने। क्या बात है सर, जी हाँ, 150 पेजेस में 100% ऑफ योर इंटरमीडिएट ऑडिट। तब जो बच्चे बोलते हैं कि ओहो सर ऑडिट थोड़ा सा लेंदी है, याद करने में दिक्कत आती है, वो सारे के सारे बोलेंगे ड्रोन चार्ट्स है तो क्या बात है। टोटल हमें कितने चैप्टर्स देखना है, तो ऑल इन ऑल 11 चैप्टर्स है। हमारा रिवीजन का मोड क्या होगा, हम दोस्तों यूज करेंगे ड्रोन चार्ट्स और उससे रिवाइज करेंगे। सर हमारे पास ड्रोन चार्ट्स नहीं है, ऑर्डर कर दीजिए, कहाँ पर है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। सर हमें नहीं करना ऑर्डर, हम हमारी किताब से पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जहां भी ऑडिट पढ़ा हो, जिससे भी पढ़ा हो, तो क्लास में पढ़ा है, ब्रह्मास्त्र से आपने पढ़ा होगा, आप वो देख लीजिए। ड्रोन चार्ट्स और ब्रह्मास्त्र का सेम सीक्वेंस है, सेम फ्लो है, डिफरेंस पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड, आप कहते हैं कि नहीं सर हमने कहीं और कोई दूसरी किताब से पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये और वो पहला लेक्चर देख के रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स और ये सीक्वेंस मैच कर रहा है तो ठीक है, आपको लगता है यहाँ पे कंटेंट कुछ ज्यादा है वहां कम है, तो फिर बेहतर है कि आप ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं सर हम तो स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल का पूरा कंटेंट यहाँ पर है। पर दोस्तों जब आप ड्रोन चार्ट से पढ़ेंगे तो आपको इससे इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि इसको अपनाए बिना तुम रह नहीं पाओगे। तो दोस्तों पहली बार अगर हम इंटरमीडिएट का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या पावर बैच सफिशिएंट होगी? आई वुड रादर से आइडियली नहीं, बेहतर होगा कि फिर आप कोई क्लास ले, क्योंकि हार्डली 80 आवर्स में पूरा ऑडिट कवर्ड है, तो फिर आप वो करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट सितंबर में एंड यू डोंट हैव टाइम एंड यू डोंट हैव चॉइस, पावर बैच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए कैसे कवर करने वाले हैं, सीक्वेंस क्या होने वाला है, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। पर सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 से शुरू। सर इसमें क्या सिर्फ रिवीजन होगा, तो आप चिंता मत करो, अपन कंसेप्ट्स वगैरह भी रिवाइज करेंगे, कैसे याद रखना है इसकी भी ध्यान रखेंगे। शुरुआती दौर में जब हम कोई चैप्टर कवर करेंगे तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कि उसको अच्छे से दिमाग में समझ के एक लॉजिकल सेंस में जितना याद हो सके याद करेंगे। लॉजिकल सेंस में याद करने का मतलब समझ गए, पॉइंट्स को समझ के कनेक्शन बना के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने आप आंसर निकल आए ऐसे। लेकिन कुछ जगह कमबख्त हमें याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो जहां वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा निमोनिक्स या ऐसी कोई सुविधाएं यूज करेंगे। तो पहले लॉजिकल कनेक्शन के साथ और उसके बाद में फिर जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। इस तरह से हम पूरे 15 डेज के स्पैन में 2-2 घंटे बस रोज कवर करते जाएंगे। आपको मस्त जो पढ़ा है बस उसी को डेली रिवाइज करना है और क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चंस लगाने। हर तीसरे दिन में आपको एक टेस्ट पेपर शेयर कर दिया जाएगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहते हो फास्ट आपको इवेल्युएट करके दे तो आप टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हो और हर पेपर का इवेल्युएशन ले सकते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर पूरा फायदा उठाना है बैच का तो आप साथ में पेपर दीजिए, मस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सर थोड़ी सी टिप्स और गाइडेंस भी दे दीजिए, ऑडिट कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो जब अपन कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, इंटरमीडिएट ऑडिट में कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का क्या एग्जाम इंपॉर्टेंस है, आप एक झलक देख सकते हो अभी। और हमें जब इसको बाद में बैच के रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो क्या सीक्वेंस में करना है, क्या फोकस करना है, कैसी चीजें करनी है, पूरे 11 चैप्टर्स की अपने को समरी मिल जाएगी। तब आ जाते दोस्तों, रुका नहीं जा रहा है मुझसे, शुरू करते हैं अपन अपना सबसे पहला चैप्टर, जो कि क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उससे पहले दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन हो इस पर्टिकुलर पावर बैच से, जिसे हम बोलते हैं इट इज अ प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें अपन साथ में प्रिपेयर करते हैं पूरे सब्जेक्ट को। तुम्हारी कोई चाहते हैं तो तुम बताओ, मैं कोशिश करूंगा उसे इनकॉर्पोरेट करने की। इस दौरान जब आप बताते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। हर पर्टिकुलर चीज को जब अपन पढ़ेंगे तो एक स्टार रेटिंग दे देंगे। स्टार रेटिंग का मतलब क्या होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस कितना है। कोशिश करेंगे हम स्टार रेटिंग देने की इन 3 स्टार, यानी 1 स्टार का मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। कभी इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज किया, हो सकता है 1 स्टार वाली चीजें आ जाए, तो ये मत बोलना कि सर आपने जो 1 स्टार बोला था वो सब आ गया, ये पैटर्न चेंज है। अगर पेपर का पैटर्न नॉर्मल रहा तो 3 स्टार 2 स्टार वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी, यानी ABC। चलिए थोड़ा डिटेल में करा देना सर, सारे ऐसे करा देना। एनी इंग्लिश बैच फॉर ऑडिट, ओ प्योर इंग्लिश अभी तो प्लान नहीं है, बट ठीक है आपने बोला है तो लेट मी थिंक ओवर इट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। इसी के साथ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज ओरिजिन। कहां से शुरुआत हुई ऑडिट की? तो चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना है, ये रहा बेबी चाणक्य यहां पर। तो सबसे पहले चाणक्य ने लॉजिक शुरू किया था दोस्तों ऑडिट का। क्या उसने कंसेप्ट बनाया था चाणक्य ने कि एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, जिसके बाद हमें हमारे राज्य के यानी कि किंगडम के खाते क्लोज करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस पूरे पीरियड में क्या हुआ। उसके बाद ये ऑडिट शब्द आया कहां से, इसके ऊपर MCQ बन सकता है। ऑडियर, ऑडियर का मतलब होता है सुनना। तो पहले क्या होता था, जब आपके फाइनेंशियल्स बनाए जाते थे तो एक आदमी उसे पढ़ता था और जो ओनर होता था वो बैठ के सुनता था और देखता था अच्छा अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा। तो ये तरीका होता था ऑडिट करने का, तो वहां से ऑडिट का नाम पड़ गया। ऑडिट का रियल डेवलपमेंट हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18-19 सेंचुरी में यूरोप में हुआ, जहां पर फिर जरूरत पड़ी कि भैया इतने बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो कहीं उसकी रिकॉर्डिंग हो और साथ साथ में ये वेरिफिकेशन हो कि सही है या नहीं है। तो इस कारण से ट्रेड बढ़ने के कारण ऑडिटर की नीड महसूस हुई कि अकाउंटेंट का काम एक ऑडिटर ऑडिट करे। उसके बाद में भारत में 1860 यानी कि ब्रिटिशर्स के समय पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के किंगडम्स उनके राज्य अक्रॉस द ग्लोब थे, तो उन्हें ध्यान रखना होता था कि भैया हर जगह से अपन कितना पैसा लूट के ला रहे हैं वो सब वेरीफाई हो, ऐसा नहीं हो कि वहां पे जो हमारा अफसर है वही लूट के ले जाए। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट शुरू किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सरकार की रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का मात्र ऑडिट करती थी। और ये ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने के बाद हमने इंडिया में इसका C&AG इनकॉर्पोरेट किया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अब एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम करती है। यानी यूँ कह लीजिए कि पहले वो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रही थी और अब वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रही है। और फाइनली गठन हुआ 1949 में उसका, जो हम सबका है दुश्मन नंबर 1, जो हमें सीए बनने से रोक रहा है, क्या नाम है उसका। चलिए, तो सीए इंस्टीट्यूट 1949 में गठन किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास की गई और इसको काम दिया गया कि ये प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंट्री में क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं जिसके जवाब आपको चैट में अभी के अभी देने का है, और ये सवाल है कि बताइए सीए इंस्टीट्यूट क्या है। इज इट अ कंपनी, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, LLP, ट्रस्ट, सोसाइटी। चैट में देख रहा हूं मैं, कितने दिन में कंप्लीट होगा ऑडिट? सिर्फ 15 दिन, 2 घंटे रोज, पूरा मस्त कवर। तो 15 दिन आपको ऑडिट, 2 घंटे यहां पे, और उसके बाद क्लास के बाद 2 से 3 घंटे का रिवीजन, इतना समय दीजिए, फिनिश। सर छोटा कर देते, 4 घंटे रोज पढ़ के 7 डेज में, नहीं, अपने को मेमोराइज भी तो करना है। हाँ सही बात है सर, सही बोले। अरे मुझे जवाब क्यों नहीं दिख रहे, नंबर बढ़ गया है क्या मेरे चश्मे का? अरे क्या बात है, शाबाश आयशा। तो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस रखता है, ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका गठन पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा किया गया है। अब सर आपने ऑडिट शब्द का प्रयोग किया पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि ऑडिट क्या होता है। बिल्कुल सही, तो आइए अब अपन डिस्कशन करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिट। ऑडिट की परिभाषा क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब ये तो आपको याद हो गई होगी, ऑडिट इज व्हाट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। इसका मतलब कि छोटी या बड़ी, कंपनी या प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट मेकिंग या चैरिटेबल, हर तरह के एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना ऑडिट है। पर यह किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो अपने को डेफिनेशन याद करने से पहले क्या करेंगे, अब अपन पहले सारी टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स को कमबख्त इतना पढ़ेंगे कि अपने आप ही डेफिनेशन याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, इसमें पहला मुद्दा हमारा डिस्कशन करने का है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दोस्तों मुझे एक बात बताओ, तुमने शायद ये शब्द सुना होगा, क्या इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट? ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट और इट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट और इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट विच इंक्लूड्स इंटरनल और एक्सटर्नल? अरे बेटा अपने को क्या करने का है, एमसीक्यू भी तो हैंडल करना है एग्जाम में, तो साथ साथ में एमसीक्यू तो बनते हैं ना दोस्त। तो आपसे मैंने पूछा है कि ये जो डेफिनेशन आप डिस्कस कर रहे हैं ये किसकी डेफिनेशन है? ए एक्सटर्नल ऑडिट की, बी इंटरनल ऑडिट की, या सी ऑडिट की विच इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल? जितने बच्चे चैट में नहीं है वो चैट में आइए और देखिए, क्वेश्चंस की बौछार हो रही है दोस्तों आपके ऊपर। तो ये किसकी डेफिनेशन है? एक्सटर्नल ऑडिट। ए लिख दो। तुमको ऐसे लग रहा है कि अभी तो हम सुबह सुबह हुई है सर, अभी तो ठंडे नहीं निकली, हाथ से लिखा नहीं जा रहा है, तो बस एबीसी लिख दीजिए। तो बताइए दोस्तों क्या है? तो हमारे पास आंसर शुरू हो गए आना। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं ए सी ए सी ए सी ए सी। ठंड लग रही है इतना ए सी मत करो बेटा, सही जवाब है ए। कैसे सर वो अपन डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इंडिपेंडेंट का मतलब। साइड में हटाओ इस पर्टिकुलर ड्रोन चार्ट के कंटेंट को, समझते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ए दोस्तों। जब आप ऑडिट कर रहे हैं एक ऐसी एंटिटी का जिस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, उसमें आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको पता है मेरा सीए कब क्लियर हुआ था? अरे छोड़ो, उससे उम्र का पता पड़ जाता है। तो ठीक है सर आप कौन सी लड़की हो, ये बात भी ठीक है। तो मैंने सीए क्लियर करने के बाद क्या किया था आपको पता है? सर पढ़ाया शुरू कर दिया होगा? नहीं, पहले मैंने जॉब करी थी। अच्छा सर कौन सी कंपनी में? वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स आप रोज यूज करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? आईटीसी। हाँ सही जवाब दिया आपने, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के प्रोडक्ट्स हम रोज यूज करते हैं सर, पर आपको कैसे पता कि हम रोज गोल्ड फ्लेक लेते हैं? वो सॉरी रोज क्लासमेट यूज करते। तो दोस्तों मैं आईटीसी में उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में था। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो मैं आईटीसी में जॉब करता था और उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में था, और उनके अलग अलग बिजनेस, मैंने आपकी जो क्लासमेट नोटबुक आप यूज करते हो उसका भी ऑडिट किया। पर मैंने ये ऑडिट किसके लिए किया? आईटीसी का बनकर आईटीसी के लिए किया। तो मैं कौन हुआ? उनके घर का आदमी। इसलिए मुझे क्या नाम दिया गया? इंटरनल ऑडिटर। अब घर के आदमी के साथ एक दिक्कत है, मुझे बोला कि चलो क्लासमेट्स का ऑडिट करो। मैंने क्लासमेट्स का ऑडिट किया। फिर मैंने बोला, अरे काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा आईटीसी को कि अरे आप क्लासमेट की नोटबुक के कवर के पीछे की साइड में लिखते हो कि हर किताब के लिए हम 1 रुपया रूरल एजुकेशन में डोनेट करते हैं। साल भर में आपने 100 करोड़ किताबें बेची है, लेकिन आपने रूरल एजुकेशन में सिर्फ 80 करोड़ से डोनेट किए हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो हमें और पैसे डोनेट करना पड़ेंगे। आईटीसी ने बोला, ओ माय गॉड ऐसा है, चलो ठीक है। उन्होंने प्रिंटिंग चेंज कर दी और बोला अब हर 2 किताब के लिए हमें 1 रुपया रूरल एजुकेशन में डोनेट करेंगे। और उन्होंने मुझे बोला कि सुनो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, उस ऑडिट रिपोर्ट से ये पॉइंट हटा देना। मैंने बोला यस सर, क्यों? क्योंकि मैं तो वहाँ सर्विस कर रहा हूँ, जो मुझे जैसा मैनेजमेंट बोलेगा मैं वैसा करूँगा, क्योंकि ऐसे भी मुझे किसी थर्ड पार्टी को रिपोर्ट नहीं करना है, ये सब आपस की बात है। तो ऐसा जो ऑडिट होता है ना दोस्तों, जो आपस की बात होती है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट का पपेट है, जो मैनेजमेंट बोलेगा उतना ही करेगा, वैसे ही करेगा। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप भी अलग है, उसे इस तरह की चीजें चेक करना है कि भैया कॉपी के पीछे के स्टेटमेंट भी सही है या नहीं। हो सकता है एक फाइनेंशियल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर या इंडिपेंडेंट ऑडिटर को यह चेक ना करना पड़े। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होगा? तो जब हम आईटीसी के इंटरनल ऑडिटर थे तब डेलॉइट नाम का बिग फोर का एक एंटिटी, कोई आर्टिकलशिप अगर करने की इच्छा रखता है बिग फोर में तो बताए मुझे आज यहाँ। तो बिग फोर यानी डेलॉइट एक्चुअली हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर थे, वो आते थे और वो चीज़ों को चेक करते थे और उनको लगता था कहीं कोई गड़बड़ है तो वो बताते थे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उसे सुधार देता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कर देता था तो ठीक है, नहीं कर पाता था तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देते थे। क्या लिख देते थे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट ये चीज़ गलत है। मैनेजमेंट बोलता था कि हम इसे ठीक कर रहे हैं तो बोलता था ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर तो हूं नहीं कि मैं आपको बताऊंगा कि भैया मैं आज तक का वो सनसनी वाला रिपोर्टर है जो बोलेगा कि सबसे पहले मैंने पता करा था कि कंपनी में ये गड़बड़ हो रही है, चोरी हो रही है और मैंने इसे क्या किया है, सुधारा है। वो बोलेगा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनता के पास जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है। पर अगर मैनेजमेंट सही नहीं करेगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बोलेगा ए एक्सटर्नल ऑडिटर ये हमने सही नहीं किया है, अगले साल सही करेंगे, इस साल सही नहीं होएगा, ऐसे ही जाएगा, अपनी रिपोर्ट से हटा लो। तो बोलेगा ओ बस हम हमारी रिपोर्ट से नहीं हटा सकते। मैनेजमेंट बोलेगा अरे सार्थक सर ने तो हटा दिया था। तो वो बोलेंगे वो तुम्हारे इंटरनल ऑडिटर थे, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर। तो मैनेजमेंट बोलेगा अरे पर पैसा तो मैं तुमको दे रहा है ना, तो हम तुमको पैसा दे रहा है तो तुमको हम रीअपॉइंट नहीं करेगा, बाहर कर देगा। तो बोलेगा सुन दोस्त कान खोल के, सबसे पहली बात तुमने भले ही हमें अपॉइंट कराने में तुम्हारा रोल रहा हो लेकिन हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे, हमारी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास जा रही है, तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तू मैनेज कर रहा है, अपना पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, वो उस शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट किया है और मैं उसके लिए जवाबदार हूं, मैं उससे अपनी रिपोर्ट दूंगा और वो मेरी रिपोर्ट से ये आश्वस्त होगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो मैं तेरा पपेट नहीं हूं, मैं किसी का पपेट नहीं हूं, मैं जो सही है उसके आधार पे ओपिनियन दूंगा। तो आप बताइए दोस्तों अगर उसे गलती मिली जो सही नहीं हुई है तो क्या उसे रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा? यस, उसे अपने ओपिनियन में लिखना पड़ेगा कि ये गड़बड़ है। और अगर वो ये अपने ओपिनियन में लिखेगा दोस्तों तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? ये मतलब होगा कि सारी जनता को पता पड़ जाएगा, किसको? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके पास रिपोर्ट जा रही है। ये कौन कौन होंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल पार्टीज, रिसर्च एजेंसी, सारे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता पड़ेगा कि ओके कंपनी में ऐसी कुछ गड़बड़ हो रही। तो दोस्तों पूरे ऑडिट के सब्जेक्ट में मैं इसके ऊपर आपको इतना फोकस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक चीज दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना कि हम कौन है, हम एक्सटर्नल ऑडिटर हैं जिसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहा जाता है। बोलो जय माता दी, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मैंने सुनिया, अरे कितनी बोलिया, अरे यार बोलते ही नहीं आता। चलिए तो दोस्तों हाँ, हमारे मे 24 के एग्जामिनेशन स्कोरर्स भी आए यहाँ पे। लक्ष्य ने एकदम लक्ष्य साम दिया है और गिफ्ट तो बहुत जल्द पहुंचेगा बेटा आपके पास। तो अब अपन कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं? तो पूरे चैप्टर में हम जो ऑडिट की बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑडिट है, यानी कि वो ऑडिटर जो मैनेजमेंट के लिए नहीं एक्सटर्नल बॉडीज के लिए काम कर रहा है। अब आप देखो ये लॉजिक दिमाग में समझ में आएगा तो आपको कितना आसान होगा ये सारी चीज़ों को समझना। तो चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑडिटर क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये जय माता दी, बहुत बढ़िया जी। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? गजब डेफिनेशन दी है, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। Judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him. तो मुझे भले ही मैनेजमेंट या शेयर होल्डर अपॉइंट करे, मैं बोलूंगा कि मेरा जजमेंट किसी से प्रभावित नहीं होता है, आई एम नो वन्स पपेट। तो देखो जो मैंने समझाया इससे तुमको ये पॉइंट याद करने में आसानी होगी। आई एम नो बडीज पपेट, मेरा जजमेंट किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है। इसका मतलब जो सही है वो मैं रिपोर्ट करूँ, नहीं है नहीं करूँ। क्या बोलेंगे बेटा? Judgment of a person is not subordinate to the wishes of any person, particularly the one who appoints him. इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मैं किसी के इच्छा अनुसार अपने डिसीजन नहीं लूंगा, जो सही है वो लूंगा, यही इंडिपेंडेंस होती है, यही इंडिपेंडेंस होती है। सीधी सी बात है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे इल्ज़ाम लगाए कि भैया आपने स्ट्रीट लाइट की लाइट से अपने घर की लाइट की चोरी करी, वहाँ का आदमी आके अगर आपसे पूछेगा कि क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया है, तो अपन थोड़ी ना बोलेंगे हाँ पापा ने किया था ऐसा, रात को खंभे पे चढ़ के वहाँ से लाइट निकाली थी। क्यों? क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट ही नहीं हो। तुम क्या करोगे? अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे। ऑडिटर ऐसा नहीं करता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता है, जो सही है वो बताता है। तो इसलिए कहा गया है ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर आप एंटिटी के इन्फ्लुएंस में आगे रिपोर्ट करोगे तो ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं। ऑडिट कराया क्यों जाता है, इसका बेसिक कारण ही यही है। एक कंपनी में पैसा शेयर होल्डर का है, मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, तो शेयर होल्डर को डर है कि मेरे पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, तो वो चाहेगा कि पैसा पैसा पैसा, यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एंटिटी की उसका एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ऑडिट करे, जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की विशेष के सबऑर्डिनेट हुए अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंटली दे सके कि ये सही है या गलत है। तब जाके शेयर होल्डर को या यूजर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए। इससे ये भी होगा कि डर लगेगा मैनेजमेंट को भी कि मैं कुछ भी नहीं बना सकता क्योंकि ऑडिट होने वाला है, और अगर ऑडिट में ऑडिटर को कुछ गलत मिला तो वो रिपोर्ट कर। बेटा अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा ना तो ही फायदा है, तो ही उसका मतलब है, अदरवाइज सब कुछ मिथ्या है, कुछ काम का नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट The benefit of audit only arises because we have an independent audit. Otherwise, अब अपन आते हैं दोस्तों पेज नंबर 4 पे। ये ड्रोन चार्ट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरे शेयर कर रखे, पूरे ड्रोन चार्ट नहीं, चैप्टर 1 और 11 के। अभी अपन 1 देख रहे हैं आज, तो उसका पूरा ड्रोन चार्ट आपके पास टेलीग्राम पर मौजूद है, अवेलेबल है, तो वहाँ से निकाल के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मस्त देख सकते हैं। ठीक है सर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है? सार्थक नीरज जैन के नाम से आप सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ यहाँ। चलो तो मैं आपको ले आया हूँ थर्ड पेज पे, जिसमें बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट होगा ऑडिट तो उससे फायदे क्या होंगे। देखो बेटा, सबसे पहले यूजर का कॉन्फिडेंस तभी पैदा होएगा दैट इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है, एज पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि ऑडिटर चेक करता है एएस इंड एएस फॉलो हुए या नहीं। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस यूजर का बढ़ेगा, सही है ना। जब इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है आदमी तो आपको लगेगा नहीं यार अगर इसने बोला है सही है तो सही हो, मतलब समझे तुम। अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैडम का, कुछ समय पहले की बात है, मैडम का बर्थडे था। तो मैडम से हमने पूछा, गलती कर दी, हमने पूछ लिया क्या चाहिए, तो मैडम ने बोला हीरा। हमने बोला अरे मिला तो है तुमको, उन्होंने बोला है अमेरिकन डायमंड। खुश हो गया, बाद में मालूम पड़ा नकली डायमंड को अमेरिकन डायमंड के। तो उन्होंने बोला सॉलिटर चाहिए, मैंने बोला वो तेरी, मैंने बोला मैडम ने मांगा है तो देना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या है उनके बर्थडे के बाद सुबह शाम बहुत सारी क्लासेस आ रही थी, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ रही थी, तो उनको खुश करना पहले ज़रूरी था, बहुत सेटल करना पड़ता है एक शिक्षक को, क्या बताऊँ मैं तुमको। तो अपन गए उनके लिए सॉलिटेल लेने के लिए, अपने दोस्त की दुकान है मस्त, अपन गए वहाँ पे और हमने बोला भाई यार बड़े से बड़ा सस्ते से सस्ता एक हीरा दे दे। उसने बोला ये वाला ले लो, मैंने बोला बहुत बढ़िया है यार ये तो शानदार लग रहा है। हमने बोला ये ओरिजिनल है या अमेरिकन है? उसने बोला अरे एकदम ओरिजिनल है। हमने बोला कैसे पता? उसने बोला हम लिख के दे देते। हमने बोला भाई तू तो पत्थर को भी लिख देगा ये ओरिजिनल हीरा है। तो उसने बोला नहीं, एक ICAI नाम की एजेंसी है जो सर्टिफिकेशन करती है किसका, सॉलिटेयर का, और उसका सर्टिफिकेशन ग्लोबली मान्य होता है। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर हीरे के साथ वो सर्टिफिकेशन है और आपको मालूम है उस हीरे के ऊपर नंबर प्रिंटेड होता है और उस नंबर का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो हीरा आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो उसकी सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसकी मान्यता होगी। तो मेरे दोस्त की दुकान का सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, लेकिन उस इंडिपेंडेंट एजेंसी का सर्टिफिकेट काम का है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंडिपेंडेंट से ही कॉन्फिडेंस बनता है। इसीलिए कहते हैं हीरा है सदा के लिए। यह है हीरा, अगर लगे समझ में तुमको आए तो। चलिए, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया है इसीलिए ताकि वो देख सके चीजें सही हो रही है। मैंने पहले 5 चैप्टर करे हैं ऑडिट के, क्या मैं अब कर सकता हूं ऑडिट? ये एक लेक्चर ये वाला देख लो बेटा, समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज है, क्या क्या कवर होगा, कैसे होगा। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते। एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉलर चेक होगा, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कोई है जो आके चेक करने वाला, नहीं तो क्या होते बेखौफ हो जाते। जब अपने को मालूम है घर पे कोई बैठा नहीं, तो आप देखो जब अपने को पढ़ाई करना होती है तो क्या मस्त पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे सब चलता है। पर जब अपने को मालूम है नहीं घर वाले हैं, तो अपने को लैपटॉप में लेक्चर देखना है तो फिर लेक्चर ही देखना है, दूसरा कुछ एकदम खुले आम नहीं देख सकते हैं। मॉरल चेक, सरकार को फायदा होगा, टैक्स लाइबिलिटी सही से निकलेगी, क्योंकि अब सरकार हर किसी के खाते आके चेक तो नहीं कर सकती है। अब भारत में आजकल 6 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, तो सरकार थोड़े ना सबके रिटर्न आके चेक करेगी। तो ऑडिट से क्या होगा, एक बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेंडर बैंकर कोई आपके यहाँ पे आके चेक नहीं कर पाएंगे, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिलाई करते हैं। फ्रॉड और एरर भी पता पड़ेंगे, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। ऐसा थोड़ी ना मैं मैनेजमेंट का दुश्मन हूँ। कई बार मैनेजमेंट को मालूम नहीं पड़ रहा है, एम्प्लॉय मामू बना के जा रहा है कम वक्त। तो इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है दोस्तों? तो बेनिफिट फॉर द मैनेजमेंट इज की उसको भी पता पड़ेगा क्या। इट विल ऑल्सो हैव दिस एडवांटेज। वॉट एडवांटेज द मैनेजमेंट विल हैव? It will know if there are any frauds or other things in the entity. ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। ओके, इससे क्या फायदा होगा? नोट्स अगर आपके पास नहीं है आप देख सकते। चलो 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 आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एन ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी। तो कंट्रोल की डेफिशिएंसीज भी ये निकाल सकता है, तो ये मैनेजमेंट का फायदा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, तुम्हें ये लग रहा है लॉजिकली ये तुमको याद हो गया? अगर तुम्हें लॉजिकली ये चीज़ याद हो गई है तो मुझे बता दो, नहीं हुई है तो अपन मार्क कर देंगे। जो जो चीज़ें लॉजिकली याद नहीं हो रही है ना, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर निमोनिक बना के अलग से मेहनत करके उसको याद करेंगे। मैंने एक ऐसी शानदार तरीका सोचा है तुम्हारे लिए, और तुम मेरे को एक बार चैट पर जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे सब लोग बताना, ऑडिट में याद करने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हर चीज पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चीज लॉजिकल कनेक्शन से अगर हम लिख पाए तो बेस्ट है। जो लॉजिकली कनेक्ट करके याद नहीं हो पा रही है उसके लिए हम कोई एड, कोई मदद, कोई बैसाखी यानी निमोनिक या कुछ तरीका यूज करेंगे। अगर तुमको मेरा ये लॉजिक और पसंद आ रहा है ये कंसेप्ट तो मुझे बताओ। तो एक बार वापस ही बेनिफिट्स ऑडिट के ऐसे सोचना है, किसको फायदा है? तो भाई देखो, सबसे पहले यूजर को तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब इंडिपेंडेंट है ऑडिट। फिर किस किस का फायदा है? इनकम टैक्स का फायदा है, बैंक का फायदा है, एम्प्लॉय के ऊपर मॉरल चेक है, शेयर होल्डर्स का फायदा है, इनफैक्ट मैनेजमेंट का भी फायदा है। फ्रॉड एरर पता पड़ेगी उसको, मैनेजमेंट का फायदा है, कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पता पड़ेगी। इतने सारे पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। नॉर्मली अगर आपके 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे तो वो बोल देंगे आधा मार्क 1 पॉइंट के लिए, तो 6 पॉइंट लिखोगे तो 3 मिलेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो पॉइंट ही इसमें टोटल 6 है, तो वो लिख देंगे कोई भी 4 पॉइंट लिखे तो इसको 4 मार्क दे देना। एक्चुअल में ऐसी होती है चेकिंग, यही तरीका इंस्टीट्यूट का, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो बातों ही बातों में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया? इंडिपेंडेंट ऑडिट और इंडिपेंडेंट ऑडिट के बेनिफिट्स, पेज नंबर 3 पे। तो बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, पेज 3। चलिए पेज 3 पे तो अभी सिर्फ अनंत और राधिका मर्चेंट छाए हुए। खैर, तो इंडिपेंडेंस क्या होगा? इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस। ऑडिटर के लिए भी अच्छा है, वो भी एकदम निष्पक्ष होकर, मस्त बेखौफ होकर काम करता है। ये फायदा है इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, कौन सी एंटिटी का इंडिपेंडेंट ऑडिट हो सकता है? अरे यार बोला ना, किसी का भी कर लो। तो एक एनजीओ है क्या, उसका भी इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा? ऑफकोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो और लोग डोनेशन ये सोच के दे रहे हैं कि आप चैरिटेबल काम में यूज कर रहे हो, तो हमें चेक करना है वैसे यूज हुआ है। तो एनजीओ का भी होगा। तो बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है मेरा ऑडिट करा के क्या फायदा? अरे भाई, तेरे कंट्रोल की खराबियां तुझे पता पड़ेगी, तुझे भी तो इनकम टैक्स भरना है। तो सबके लिए फायदेमंद है, तो स्मॉल मीडियम लार्ज सब लेते हैं। प्रोपराइटरशिप बोलती है मेरा ही धंधा है, मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कराना ऑडिट करके। अरे भाई तू थोड़े ना सारे काम कर रहा है, तेरे यहाँ पे भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तू हो सकता है तुझे पता नहीं हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस कैसे चलते हैं। कम वक्त अब इंड एस तो नहीं लगते प्रोपराइटर्स पे, पर तुझे पता ही नहीं है तो एक ऑडिटर एक्सपर्ट आके चेक करेगा तो पता पड़ेगा ना। तो इसका मतलब कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, प्रोपराइटरी, LLP, पार्टनरशिप, किसी भी तरह की एंटिटी, सबके ऊपर ऑडिट काम आएगा। कॉमन सी बात है। अल्टीमेटली ऑडिटर का उद्देश्य क्या होता है, उसका काम सिर्फ ओपिनियन बनाना है। क्या कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सही सही है या नहीं है, और क्या है। चलिए तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो बेटा, हमारा काम मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, हमारे पास बन के आएंगे, हम उसके बाद उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। और कैसे देते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से। ये रिपोर्ट कैसी होती है, ये रिपोर्ट में हम देते हैं हमारा ओपिनियन। इसका एक फॉर्मेट ICAI ने फिक्स कर रखा है कि रिपोर्ट कैसे दी जाती है। पर एक चीज़ समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, हम नहीं बना रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के देता है, ऑडिटर क्या करता है, सिर्फ उसके ऊपर रिपोर्ट देता है। आ जाइए, जैसे अपन लेटेस्ट अभी अडानी चल रहे, तो अपन अडानी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। सर रिलायंस की लाओ ना, वो लोग शादी में बिजी थे तो उन्होंने बनाया नहीं अभी इस साल के। तो ये देखो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड, P&L, ये सब कौन बना रहा है, मैनेजमेंट। पर इसके ऊपर ओपिनियन कौन दे रहा है, इसके ऊपर ओपिनियन देगा हमारा प्यारा ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट में क्या देता है, अपना ओपिनियन। ओपिनियन कहाँ मिलता है, रिपोर्ट में एकदम शुरू में ही मिल जाता है। तो ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो नाम ही लिखा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ये एक्सटर्नल ऑडिट है। और ये रिपोर्ट दे रहे हैं हम, कंसोलिडेटेड और सेपरेट दो स्टेटमेंट होते हैं। इसने जो ओपिनियन दिया है वो क्वालिफाइड ओपिनियन है। इसका मतलब इसको कुछ गलतियां मिली अडानी में, तो इसने अपनी रिपोर्ट में उन गलतियों को हाईलाइट किया, या तो गलतियां या खामियां या इसकी कोई लिमिटेशंस थी, ऐसा कुछ भी होगा वो इसने रिपोर्ट किया। तो ये रिपोर्ट में सबसे पहले बताएगा कि इसने किसका ऑडिट किया है, ये सब अपने सिलेबस में है। आगे ये बोलेगा, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर ब्ला 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 क्वालिफाइड ओपिनियन ब्ला 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 वी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर इंड एस एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इंड एस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस, ये सब होता है। ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन देता है, सब कुछ सही है या नहीं है। अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो वो बोलेगा नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है सब कुछ सही है एक्सेप्ट इस चीज़ के जो हमने अगले पैराग्राफ में समझाई है। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ ओपिनियन देना, और हमें कुछ नहीं करना है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम चीज़ों को सही करवा के छोड़ेंगे, वो मैनेजमेंट की इच्छा है। तो ऑडिटर को चेक क्या करना है ओपिनियन देने से पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है वो अपने आप में अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है। तो आप कैसे चेक करोगे और बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो मुझे बताओ एक बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते किससे, तो बैलेंस शीट किससे बनती है, आपकी बुक्स से। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, बुक्स में क्या होती है, एंट्रीज, तो एंट्रीज इन बुक्स। तो आपको देखना है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स हैं वो जो बुक्स में एंट्री करी है उससे ही बने, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर बुक से मैच हो रहे हैं, यानी सबसे पहले ये चेक करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक से चेक किया तो बुक्स में जो एंट्री हो रही है उसका कोई रिकॉर्ड होगा। तो बुक्स में एंट्री जो की गई है, वेदर दे आर सफिशियंट अप्रोप्रिएट एडिट एविडेंस से सपोर्टेड है, यानी तो इसका मतलब एंट्रीज को अपन चेक करेंगे किससे, विथ रिकॉर्ड्स। समझ आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो किसके अनुसार होना चाहिए, बुक्स के अनुसार। बुक्स में जो एंट्री हो रही है वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, उसके प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए एंट्री के। तो आपने ये चेक कर लिया कि भैया जो बुक्स में एंट्री हुई है वो एज पर रिकॉर्ड हुई है। तो ये भी चेक करना कि कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है जिसकी एंट्री नहीं हुई है, यानी उल्टा भी चेक करना पड़ेगा कि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं क्या वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स बुक्स में आ रहे हैं। तो ये तीन पॉइंट तुमको लॉजिकली याद हो गए कि भाई ऑडिटर किस पे रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको किससे चेक करेगा, बुक्स से। बुक्स को किससे चेक करेगा, रिकॉर्ड से। पर एक और चेक करेगा कि रिकॉर्ड्स कि एंट्री बुक्स में होनी है या नहीं होनी। ये सब कब लिखना है एग्जाम में? जब क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर टू चेक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग वुड इन्वॉल्व व्हाट ऑल स्टेप्स। तो ये स्टेप्स है 6। आगे इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए? क्लियर अनएम्बिगुअस होना चाहिए। उसमें सारी चीज़ों का सही क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऑल इन ऑल ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ रिजल्ट्स, असेट्स और लाइबिलिटीज देना चाहिए। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, उसको जब चेकिंग करना होती है तो 3 चीज़ें चेक करना है। नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन अपने आप में क्लियर और अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग, आधी अधूरी नहीं है, एकदम साफ समझ में आए वैसी है। और अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, विल डिस्कस दैट। ध्यान रखना ऑडिटर का उद्देश्य एक प्रकार का एश्योरेंस देना होता है, आश्वासन। कैसा आश्वासन? जिससे यूजर्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है। बस ये हमारा उद्देश्य है। अब एक बात बताइए कि एक ऑडिटर को क्या सिर्फ ऑडिट का ज्ञान होना चाहिए या उसे और भी डिसिप्लिन का ज्ञान होना चाहिए? तो ऑडिटर रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन का मतलब है ऑडिटर टू ऑल्सो हैव नॉलेज, ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पे अदर स्ट्रीम्स। एक ऑडिटर को अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए क्या? ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स का ज्ञान नहीं होगा तो कहीं से ऑडिट करोगे। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूरे अकाउंट से बने हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ज्ञान चाहिए। लॉ का नॉलेज चाहिए क्या? हाँ, आप प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे चेक करोगे, तो टैक्स लॉज हो गए आपके, ऐसे जितने भी बिजनेस लॉज हैं उसका नॉलेज होगा तो ही आप उनको वेरीफाई कर पाओगे। इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए क्या? ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इससे क्या होता है, तुमको समझ में आता है कि मैनेजमेंट तुमको सही बोल रहा है या झूठ, वो समझने में आसानी होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी मेजरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है और आपको मालूम है कि इस साल में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डॉलर और रुपीज़ में बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो तुमको ऑडिट में मालूम है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना। तुमने देखा है कि भैया हमारी कंपनी एयरटेल है और इस साल जियो लॉन्च हो गया, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो कंपनी का लॉस है, तो वो जस्टिफाइड दिख रहा है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी तुमको क्या होगा, बिजनेस समझने में मदद करेगा। जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो सही है या गलत को समझने में हेल्प करेगा। बिहेवियरल साइन, क्योंकि आपको लोगों से डील करना है, तो आपको एम्प्लॉई इंक्वायरी कर रहे हो तो वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बिहेवियरल साइंस यानी कि ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग से आपको मदद मिलेगी समझने में, क्योंकि आपको लोगों से डील करना है। हम वक्त मालूम है तुमको, जब ऑडिट करने जाओगे ना, क्लाइंट कितनी बार डेटा ही नहीं देता है, पीछे पीछे पढ़ के परेशान हो जाता है। उसको बोलते दे, बोले हाँ हाँ दे रहा हूँ, डेटा वो देगा तभी तो अपन ऑडिट करेंगे, वो देता ही नहीं है, गोल गोल घुमाता है, क्योंकि उसको मालूम है जितना मैं लेट करूँगा ना बाद में वो उतना कम चेक करेगा, क्योंकि ऑडिटर का टाइम तो लिमिटेड है। पर हमारे ऑफिस में एक ऐसा जुगाड़ू आर्टिकल है, अरे कम्बक जहाँ जाता है उसको कभी क्लाइंट मना ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी समझता है, ऐसा सामने वाले को भाई पिघलाता है कि आप समझो सारा डेटा निकाल के ले आता है। ये क्या है उसकी बिहेवियरल साइंस। तो आप जब इंक्वायरीज करते हो स्टाफ से तो आपको ह्यूमन्स की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे काम आते हैं? सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, हम ऐसे 530 डिस्कस करेंगे, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ होती है, तो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है तो उसमें मदद मिलेगी। अच्छा, आप समझ आए फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स क्यों होता था? नहीं तो पल्ले नहीं पड़ रहा। नहीं बेटा, फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स इसलिए होता है ताकि बच्चे मैथ्स और स्टैट्स का पेपर पास कर सके, है ना, क्योंकि मैथ्स के बदले तो होगा नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए, तो आप ऑडिट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करना करेंगे कहीं जगह, कई बार आपको एस्टिमेट्स वगैरह चेक करना होते हैं, इन्वेंट्री का आपको ऐसे वेरिफिकेशन करना है, तो मैथ्स का ज्ञान लगेगा। जैसे कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, आपकी कंपनी पावर प्लांट चलाती है, थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें कोयले को जला कर जो उससे हीट बनती है, उससे हीट की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट करती है। तो कोयले का हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, ऐसे बड़ी बड़ी पाइल्स बनी हुई हैं, तो इस कोयले को फिजिकली ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, तो इसमें उसको मैथमेटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मूले लगेंगे जिसमें बोलेगा ओके दिस कोल पाइल इज अ कोनिक सेक्शन। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये सब तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट और इसके डायामीटर के आधार पे इसका वॉल्यूम और वॉल्यूम के आधार पे इसका वेट निकालना पड़ेगा। तो ऐसी जगह मैथमेटिक्स भी काम आ सकता है। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अब आज की तारीख में आप बैंक में गए और आपने बैंक में बोला कि यार ये तुमने 100 करोड़ का लोन इसको दिया है, इसमें मार्च में इतना ब्याज लगाया, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, तो बैंक मैनेजर बोलेगा रुको ये ना कंप्यूटर, इससे पूछो। हमने बोला मतलब, उन्होंने बोला भाई हम नहीं करते कैलकुलेट, कंप्यूटर करता है। कोई थोड़ी ना हम मैनुअल एक एक खाते का करेंगे, हमारे 1 करोड़ बोरोवर्स हैं, उन सबका हम मैनुअल करेंगे, खाता करता है। हमला या खुदा तो खाता कैसे कैलकुलेट करता है। उन्होंने बोला आप खुद करके देख लो, मैच कर लो हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने बोला नहीं हो रहा तभी तो समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बोला थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। हमने बोला यार कंप्यूटर इधर उधर कैसे हो। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा ब्याज कब लगाए, 30 मार्च को लगाए, तो कंप्यूटर ने 30 तारीख तक का ही कैलकुलेट किया होगा, हमने 31 का कर लिया, इस कारण से शायद फर्क आ रहा है। पर ये सब के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कैसे प्रोसेस होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, IT को समझना ऑडिट के लिए। तो ये अपने आप में ही एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में IT ऑडिट के रूप में डेवलप हो रहा है। प्रोडक्शन का ज्ञान होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आएगी। तो अभी आप अमित भाई की कॉस्टिंग की पावर बैच कर रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ती है। इसका इम्पैक्ट आप जब एडवांस अकाउंट्स की अगर अपन पावर लाएंगे तो देखेंगे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमें कॉस्ट निकालनी होती है। तो अगर आपको कॉस्टिंग के वो प्रिंसिपल समझ आएंगे तो आप प्रॉपर इन्वेंट्री की कॉस्टिंग देख पाओगे। तो ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं जिसके साथ हमें नॉलेज होना चाहिए। आपको ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है दोस्तों। प्लस इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स के साथ जो जो कंटेंट आपको दिया गया है ये समझा दिया, इतना समझना काफ़ी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वाई शुड एन ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ऑफ द ओपिनियन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ laws and regulations for the purpose of audit because he is not a lawyer but an auditor comment। तो फिर हमने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस लेवल ड्रोन चार्ट में अपन ने टोटल कितने टॉपिक पढ़े, पेज नंबर 1 पे सर 3। ये वाला 3 स्टार इम्पॉर्टेंट है, ये बिहेवियरल साइंस वाला 1 स्टार इम्पॉर्टेंट। अब आ जाओ पेज नंबर 2 पे। पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य ऐसे 200 ने बताया। कमबख्त तो दोस्तों ऐसे 200 तो ऐसा है जिसके नाम लिखने के ही 1 मार्क मिल जाएंगे हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेस। ये क्या था ये नाम है स्टैंडर्ड का। सर एग्जाम में ऐसे नंबर और नाम कोड करना जरूरी है क्या? इंप्रेशन पड़ता है और कुछ भी नहीं है। जितना मुझे पता है इंटरमीडिएट लेवल पे सेक्शन नंबर ऐसे नंबर कोड करने के मार्क्स नहीं देता इंस्टीट्यूट और काटता भी नहीं। पर अगर आप गलत ऐसे नंबर कोड कर दोगे तो इंप्रेशन खराब होगा। तो भले ही बोलता नहीं है इंस्टीट्यूट मार्क्स मत काटो, पर एग्जामिनर काट देगा। तो कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत लिखना। जितना हूं अभी तक मैंने मॉनिटर किया है, हर अटेम्प्ट में मार्किंग स्कीम चेंज होती है, पर नॉर्मली ऐसे नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इंप्रेशन जरूर पड़ता है कि एग्जामिनर चेकर पे। एनीवेज तो दोस्तों आप यहां पर देखिए ऐसे 200 में अपन क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव किसका, ऑडिटर का। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये लिखना है इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पर आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर के दिए हुए हैं, ऑडिट के नहीं। और वही है ये वाली जो चीज है दोस्तों क्या लिखा है इसमें देखिए। It is to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement. क्या टर्म्स आ रही है हमारे सामने, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ दोस्त, सपोज फॉर एग्जाम्पल, हेलो Suppose for example, hello, suppose for example तुम घूम रहे, तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे भाई बहन है, फादर मदर, ज्वाइंट फैमिली, बहुत सारे लोग हैं। तो लेट्स से घूमने गए और तुम एक अम्यूजमेंट पार्क पे जाना चाह रहे हो, पार्क में ज़्यादा कुछ भीड़ है नहीं, घर वालों ने तुमको बुलाए कि सुनो ज़रा जाके एक बार अंदर चेक करो कि बच्चों के हिसाब से सेफ है या नहीं है। तो तुम अम्यूजमेंट पार्क में अंदर जाओगे और देख के तुमको लगा कि यार सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, तो आगे बोल दोगे क्या सेफ है। तो देखो लॉजिकली जब तक तुम खुद आश्वस्त नहीं होगे तुम अपने घर वालों को आश्वासन नहीं दे पाओगे। तो हम जाके पहले चेक करेंगे, पता करेंगे भैया क्या क्या राइट्स है, क्या एज ग्रुप के लिए कौन देख रहा है, हर राइट के ऊपर क्या कोई व्यक्ति है या नहीं है जो मॉनिटर कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या नहीं, ऐसे एक जनरल आइडिया लेंगे और फिर बोलेंगे नहीं सब ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसी तरह से एक ऑडिटर तब तक ओपिनियन नहीं दे पाएगा जब तक उसे खुद को एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। इसलिए डेफिनेशन की शुरुआत होती है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस अपन उस पर आएंगे, बट इट इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट डिग्री ऑफ एश्योरेंस। याद करना है डेफिनेशन तो समझना पड़ेगा। दोस्तों अपनी मास्टरी किसमें है, लॉजिकली याद करने में। निमोनिक और उसके थ्रू याद कराना अपनी मास्टरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन उसको एज अ सेकेंडरी टूल यूज करते हैं, ये हमारा प्राइमरी टूल नहीं है। चलो आ जाओ। To obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to frauds or error। तो दोस्तों ये material misstatement जो शब्द आता है ना, इस शब्द के साथ usually एक आगे phrase add होता है whether due to frauds or error। misstatement का मतलब क्या होता है? misstatement का मतलब गलत statement। वाह सर क्या बात बोली, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बेटा मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड। आपको जो लिखना था और आपने जो लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो होना था और जो है, आपने इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया मार्केट वैल्यू पे जबकि कॉस्ट पे करना था या विच एवर इज लोअर पे। तो ये क्या है? मिसस्टेटमेंट है, आपने गलत कर दिया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया, मिसस्टेटमेंट। तो एक ऑडिटर को सबसे पहले क्या करना है? तो देखो ऑडिटर का अंत कहां पर होगा, ऑडिटर का मतलब ऑडिट का अंत कहां पे होगा? ऑडिट का अंत होगा ओपिनियन देने से। तो ओपिनियन देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को आश्वस्त होना पड़ेगा। अपने को आश्वस्त होने के लिए क्या चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। क्या एश्योरेंस चाहिए? कि जिसपे मैं ओपिनियन दे रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें किसी प्रकार के कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इमटीरियल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी ने इस कैलकुलेटर को एक्सपेंस बुक कर दिया जबकि इसमें पीपी की सारी खूबियां हैं, लंबे समय तक चलेगा, आखिरी में इसे आर्टिकल को गिफ्ट भी कर दिया जाएगा एक सीए के ऑफिस में अगर ये कैलकुलेटर रखा है, यानी रेसिडुअल वैल्यू है, यूजफुल लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म है, बिजनेस में काम भी आ रहा है, हर वो खूबी है जो पीपी में होती है। लेकिन क्या मैं इस 300 रुपए के कासियो के नकली कैलकुलेटर को बुक्स में पिक्चर सेट की तरह कैपिटलाइज करूंगा, पीपी दिखाऊंगा या खर्चा बुक करूंगा? अरे क्या फर्क पड़ता है इमटीरियल। तो इसके लिए कहा गया है कि एक ऑडिटर को क्या करना है? एक ऑडिटर को एश्योरेंस प्राप्त करना है। किस बात का? कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है। किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो होना चाहिए और जो है उसमें फर्क नहीं। पर सर जो होना चाहिए और है उसमें फर्क नहीं है, किस कारण से? जान करके मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं करी है या अनजाने में, दोनों। ऑडिटर को दोनों से मतलब है, क्योंकि गलती गलती है, जान करके की है तो हमें उससे ज्यादा दिक्कतें होंगी, अनजाने में करी है तो भी दिक्कत होंगी, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड्स और एरर। वेदर ड्यू टू फ्रॉड्स और एरर, ये फ्रेज हमेशा मिसस्टेटमेंट के बाद ऐड होता है, देख लेना। तो जब हमें ये रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा और हम बोलेंगे कि हाँ अब मुझे पूरा विश्वास है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो अब मैं एम्पावर्ड फील कर रहा हूं अपने आप को इस ओपिनियन को देने में कि भैया पार्क बढ़िया है, सब आ जाओ। देयर बाय अनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तब जाके मैं क्या करूंगा? मैं ये रिपोर्ट क्या रिपोर्ट करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑल रिगार्ड्स, प्लस दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब एक बात बताओ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पता है क्या रे तुमको? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है पता है क्या तुमको? बोलो बोलो बोलो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी, प्रोपराइटरशिप फर्म, इन सबको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार बनाना है या इंड एस, या इनके पास चॉइस है दोनों में से कोई भी एक। बताओ बताओ बताओ। चलो, एक पार्टनरशिप प्रोपराइटरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है या इंड एस फॉलो करना है, या इनके ऊपर चॉइस है कि दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या लॉ बताता है कि इन्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा। जो भी है बताओ, चलो जल्दी बताओ। चैट चैट चैट, बहुत देर हुई, चैट नहीं आ रही है। कमान कमान कमान, मेक सम नॉइज यू इंटर बॉयज। सोच रहे हैं। एएस, इंडेस या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दे हैव टू मेक अ चॉइस। आपको पता है भारत में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को इंडेस फॉलो करने की परमिशन है। अदर देन कंपनी कोई चाह के भी इंडेस फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि उनके ऊपर इंडेस वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या होता है? ढांचा। जैसे अपन नहीं बोलते हैं भैया हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत ह्यूमंस की राइट्स है डिफाइन की जाती है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें डिफाइन किया जाता है अकाउंटिंग कैसे होगी, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आजकल अकाउंटिंग का शब्द यूज किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ क्या होता है? बुक्स बनाना। पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है? बुक्स बनाना, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, नोट्स पे डिस्क्लोजर देना, यानी एक पूरी रिपोर्ट बनाना अपने फाइनेंस की। तो आजकल अकाउंटिंग की जगह शब्द यूज करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसीलिए तुम अभी इंटर में एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, सीए फाइनल में वही सब्जेक्ट का नाम होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क दिया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सेम इसी तरह से अकाउंटिंग कैसे करना है इस पूरे का फ्रेमवर्क दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इंड एस। तो आपके ऊपर जरूरी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लगेंगे, इंड एस भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो पार्टनरशिप प्रोपराइटरशिप इन सबके ऊपर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्रेमवर्क आप पर लागू होता है उसके अनुसार बनेगा। तो चलो देखते हैं अब अपन को क्या डेफिनेशन याद हुई है, कैसे याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that financial statement are free from material misstatement, whether due to frauds or errors, to enable the auditor to report that financial statements are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework. तो हमने ये रीजनेबल एश्योरेंस लिया ताकि हम इसके ऊपर क्या कर पाए, कमेंट कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क है। तो ये कमेंट कहाँ करेंगे? रिपोर्ट में करेंगे। तो अभी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव आगे कहता है एंड अकॉर्डिंगली टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंड। पर रिपोर्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एज पर एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव का। इसके ऊपर 2 स्टार लगा दीजिए, ये मॉडरेट इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। अब इसको आपने पढ़ा तो इसमें बहुत सारी चीजें आई। सबसे पहले आया रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या फर्क है? तो बेटा रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है, चलो मैं पूछता हूं, आज तो हो जाए, बहुत हो गया बेटा बहुत। चलिए एक पोल आपके सामने खड़ी कर रहा हूं मैं। लेट अस स्टार्ट अ पोल। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? एक क्यू एंड ए शुरू हो रहा है। बेटा बेटा बेटा, पोल 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 पोल। रीजनेबल एश्योरेंस, आर ए मीन्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस और इट मीन्स high degree of assurance or it means moderate degree of assurance or it means low degree of assurance. Poll started. Let's see what people have to say. Quick, quick, quick. थोड़ा सा अपना आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा स्लो रखेंगे। एक बार अपनी रिदम ट्यूनिंग थोड़ी सी मैच हो जाए फिर स्पीड भी बढ़ जाएगी। चलिए, तो जवाब आना शुरू हो गए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सही चल रहा है। देखते हैं जवाब दिखा पाओ। ओ नो, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। This is better. पोल भी दिखा पाऊँ मैं आपको, दैट्स नाइस। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे अधिक जवाब 71% हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया आंसर। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दिया जाता है ऑडिट में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, वो ऑडिटर नहीं देता। हाई डिग्री मतलब कि लेस देन एब्सोल्यूट, गारंटीड नहीं है, 100% नहीं है, बट हाई डिग्री। मॉडरेट का मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं ठीक है, पर ऐसे डिटेल में नहीं बोलते कि सब कुछ एकदम हम बोल रहे हैं ठीक है। सर थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, अभी अपन जब ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। तो एब्सोल्यूट लेवल का एश्योरेंस दिया जाता है। कुछ बच्चे इतने ईमानदार हैं, उन्होंने यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस और इसका डिफरेंस देख के ही बोल सकते थे एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज़ नॉट अ गारंटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर। तो हाई एश्योरेंस मतलब क्या होता है कि हम काफी आश्वस्त है, बहुत कम चांसेस है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट। सेकंड, ऑडिट कैसे किया जाता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स के अनुसार, जो आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सिखाते हैं कैसे करना, जिससे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करता है और ओपिनियन बनाता है। इससे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस आता है। तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देने के लिए क्या बोला इन्होंने? हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए एक तो आप में। दूसरा, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे जिससे ऑडिट एविडेंस मिलेंगे और जिससे आप अपने कंक्लूजन बनाओगे। जब आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो करके एविडेंस गैदर करके कंक्लूजन बनाते हो, इस प्रोसेस को रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। डिस्कस होगा आगे। हमें देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलती। तो हमें देखना है कि वो फ्रॉड और एरर दोनों के ही मिसस्टेटमेंट से मुक्त है। हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो आपको जो देखना है उसकी मटेरियलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखनी। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ एक एंटिटी का और मैंने देखा कि उस एंटिटी में एक आदमी की सैलरी कैलकुलेट गलत हुई है, कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई हैं, एक की सैलरी गलत कैलकुलेट हुई है, बाकी मैंने बहुत चेक किया सबकी सही थी। उस एक एम्प्लॉई की सैलरी उस एम्प्लॉई के लिए मटेरियल है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल में उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर ऑडिटर इसे अपनी रिपोर्ट में नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। वो बताएगा मैनेजमेंट को कि सही कर दे, वो कर दे तो अच्छी बात है, नहीं भी करे तो मैं रिपोर्ट में लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मटीरियल नहीं है। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए। तो मुझे हमेशा रिपोर्ट क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए देखनी है, ना कि किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो आप बोल सकते हो मटीरियलिटी इज सीन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड नॉट एनी स्पेसिफिक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन ओपिनियन देना हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है या नहीं। अपन ने डेफिनेशन ही डिटेल में डिस्कस कर ली, काम हो गया। अब आते हैं स्कोप पे। स्कोप वापस से 2 स्टार इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। क्या कहता है स्कोप? स्कोप का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज की रेंज, कि उसमें क्या क्या कवर होता है। जहां तक नजरें जाती है वो सारी जमीन अपने स्कोप में आती है। तो कलेक्टर ने बोला है भैया जहां तक तुम्हारी नजरें जा रही है वो सब अपना इलाका, मतलब अपने स्कोप में आता है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में आता है। तो ऑडिटर के स्कोप में क्या आएगा? तो सबसे पहले पर्पस बताया यहाँ पे कि हमारा पर्पस है सिर्फ यूजर्स की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को एनहांस करना। कैसे? एक ओपिनियन देके। क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, ये पर्पस है। यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी, बैंकर, मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सब। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल यूजर्स। फ्रेमवर्क क्या है? मैंने आपको समझा ही दिया बढ़िया मस्त तरीके से। फ्रेमवर्क वो है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय अडॉप्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेबल होता है इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लॉ और रेगुलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ एंटिटी पे फ्रेमवर्क कैसे डिपेंड होएगा, चलो फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू बता देते। जैसे कि एक बैंक के ऊपर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का नहीं लगता है, बट एक एनबीएफसी के ऊपर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का लगता है। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट। तो इसका मतलब कानून ने ही बताया है कि किसके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क लग रहा है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट दिए हैं कैसे बनाना है। तो ये फाइनेंशियल, ये आपकी अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क हो गया, यानी जो भी आपकी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब कर रहा है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क। भैया आपने ऐसी अकाउंटिंग करी, किसके अनुसार करी है? तो आप आंसर में बोलोगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर फॉर्मेट गिवन इन कंपनीज एक्ट। तो ये सब आपके फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एंटिटी पे फ्रेमवर्क डिपेंड करता है, लॉ और रेगुलेशन पे भी फ्रेमवर्क डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी डिपेंड करता है। क्या मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? हो सकता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है वो इंटरिम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है जो क्वार्टरली रिजल्ट लिस्टेड कंपनी वगैरह के आते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयरली बनते हैं, उनमें डिटेल कम होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ यूजर्स को अपडेट देना है, ना कि पूरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो एनुअल बनते हैं उसमें सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरी डिटेल देना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कृपा करके याद रखना दोस्तों 3 चीज़ों पे। क्या है ये 3 चीज़ें? नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बजाय, नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बजाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में नेचर, ऑब्जेक्टिव और लॉ एंड रेगुलेशन, ये 3 पॉइंट याद रखना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए अभी स्कोप का डिस्कशन चल रहा है, तो स्कोप, ये तो टर्म्स अपन ने समझी। अब अपन आते हैं अगले पेज पे, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आइए, एक मस्त क्वेश्चन पूछूं तुमसे। हाँ बोलोगे तो पूछूंगा। मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली, तुमने हाँ बोला। एक ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा, हे मैनेजमेंट, क्या तुमने कैश को फिजिकली वेरीफाई किया है? मैनेजमेंट ने बोला, हे ऑडिटर, नहीं किया है। मैंने मैनेजमेंट से कहा, क्या तुमने कैश को फिजिकली चेक नहीं किया कि जो बुक्स में कैश आ रही है एक्चुअल में उतनी है? मैनेजमेंट ने बोला, हाँ नहीं किया। हमने बोला, क्या बात कर रहे हो, फिर कैश में गड़बड़ निकली तो क्या होगा? मैनेजमेंट ने बोला, हम हमारे कैशियर पे और स्टाफ पे डाउट नहीं करते हैं, ये सब हमारे बच्चों की जैसे हैं, इन पे डाउट करना यानी खुद की परवरिश पर डाउट करना है, हमारे उसूलों के खिलाफ है कि हम हमारे एम्प्लॉइज को क्वेश्चन करें, इसलिए हम इसे चेक नहीं करते। मैंने बोला, ओ प्रभु देवता, ओए तू फैमिली नहीं चला रहा है, यहाँ पे बिजनेस चला रहा है, तुझे चेक करना चाहिए था। उसने बोला, कसम है हमें, कसम है हमें, तुम चेक करो कैश, और अगर 1 रुपए की भी गलती निकली कैश में तो बिजनेस बंद कर देंगे, हमें इतना विश्वास है हमारे इन एम्प्लॉइज पे। हमने बोला, ऐसा है तो चलो हम सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन पे गए, वेरीफाई किया कैश सही निकली, फिर जाके वेरीफाई किया कैश सही निकली, फिर थोड़े दिनों बाद वेरीफाई किया सही निकली। मेरा सवाल दोस्तों आप लोगों से ये है कि हम ये मानते हैं कि अभी कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, पर जो कंपनी के सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स थोड़े से गड़बड़े हैं। क्यों? क्योंकि कैश वेरीफाई होना चाहिए थी, नहीं हो रही है, उससे हो सकता है आगे जाके गड़बड़ हो जाए। क्या ऑडिटर को इस चीज़ को रिपोर्ट करना है? क्या ये आपके स्कोप में है? मैं 1 मिनट तक रुका हूँ, मुझे चाहिए सारे बच्चे जवाब दें इस पर। टिक टिक शुरू हो चुकी है बेटा, टिक 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 शुरू हो चुका है, और मैं रुका हूँ आपके जवाब के लिए। Come on, बताइए, tell me। क्या बोलते बच्चे? रिपोर्ट करना चाहिए। अब आप एक चीज समझो दोस्तों, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई खामियां हैं? एक चीज समझिए, हमारा उद्देश्य हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिपोर्ट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिपोर्ट करना है। ऑडिटर क्या करता है? इवैल्यूएट करता है सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द मैनेजमेंट। तो हम फ्यूचरिस्टिक नहीं होते। हमारा उद्देश्य ये बताना नहीं है कि श्राप है हमारा तुमको कि देखना तुम्हारे यहाँ पे कैश की चोरी होगी। अरे भाई मेरे, यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट। जो हो चुका है हमें उसके ऊपर रिपोर्ट कर। तो प्रोविजन क्या कहता है देखिए, सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। तो ऑडिटर के स्कोप में क्या आता है? आपको सारी चीजें चेक करना है एंटिटी की जिसका भी फाइनेंशियल इफेक्ट आ सकता है। हमें चेक करना है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हम अकाउंटिंग सिस्टम्स और इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं, जिसके लिए हम अपने प्रोसीजर्स टेस्ट लगाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो सोर्स डेटा है, वो रिलायबल है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सफिशिएंट है। उसके आधार पे हमें चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन समराइज किए गए, मैनेजमेंट के जजमेंट सही से बने, और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दे देते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इट मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी विच इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इवेंट्स विच हैव ऑकर्ड इन द पास्ट टाइम पीरियड और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस एट अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब है बेटा कि हम सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट करते हैं, ये हमारा स्कोप है। यानी कि मेरे इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपसे पूछा, ऑडिटर को ये बताने की ज़रूरत रिपोर्ट में नहीं है। आगे जब अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे आगे के चैप्टर्स में जहाँ वहाँ हम देखेंगे ऑडिटर कंट्रोल चेक करता है सिर्फ ये देखने के लिए कि एंटिटी पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, चेकिंग कितनी ज़्यादा कम करें। पर अगर उसे कहीं पर कोई गलतियाँ मिलती है कंट्रोल्स की, तो उसे रिपोर्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं। वो मैनेजमेंट को बता देगा भैया ये गलती मिली है, सुधार लेना, एज अ फेवर कि चल ठीक है तो सुधार लेना। बाकी वो मैनेजमेंट की इच्छा है, हमें उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है रिपोर्ट में, क्योंकि हम सिर्फ किस पे कमेंट करते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कभी अगर कोई लॉ स्पेसिफिकली बोलते ऑडिटर को कि नहीं भैया तुमको इंटरनल कंट्रोल पे भी कमेंट करना है, कैश वेरीफाई हो रही है या नहीं इस पे भी कमेंट करना है, जो आरबीआई कहता है पता है तुमको, बैंक ऑडिट में आरबीआई आपसे एक रिपोर्ट भरवाता है जिसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें पहला ही पॉइंट होता है कैश, जिसमें पहले पॉइंट में पूछा जाता है चेक करके बताओ कि क्या कैश का वेरिफिकेशन होता है, क्या कैश जॉइंट कस्टडी में रखी हुई है, और ये सब रिपोर्ट में देना होता है। पर यह रिपोर्ट आरबीआई को जाती है, शेयर होल्डर्स को। अगर लॉ बोलेगा तो मुझे रिपोर्ट करना है, यानी वो स्पेसिफिकली उस लॉ में मेरे को क्या किया गया है, स्कोप बढ़ाया गया है। लेकिन जो सामान्य तौर पर ऑडिट माना जाता है उसे में हमें सिर्फ किसके ऊपर रिपोर्ट करना है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच इज हैपेंड इन द पास्ट। तो फ्यूचर में खराब कंट्रोल से डेफिनेटली कंपनी में दिक्कत हो सकती है, पर अभी नहीं हुई है ना, तो आपको रिपोर्ट नहीं। इसी के साथ अपना स्कोप का डिस्कशन शुरू होता है। स्कोप में क्या क्या आता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हेलो 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 हेलो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? सबसे पहले हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करना है। हमें देखना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सारे डिस्क्लोजर्स जो चाहिए दिए या नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कमेंट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इट मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू एन एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इवेंट्स व्हिच हैव ऑकर्ड इन द पास्ट। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज पास्ट टाइम की इवेंट्स हैं ये, कंडीशंस और सर्कमस्टांस जो एट अपॉइंटेड टाइम इन पास्ट से रिलेटेड है ये। वो किसी को कोई डाउट है इसमें तो फटाफट पूछिए, बोलो बोलो बोलो। चलिए अमित सर आए हैं यहाँ पर साक्षात, अमित भाई को वेलकम करेंगे सभी बच्चे। चलिए अरे सर हम तो अमित भाई को परसों से वेलकम कर चुके हैं, क्योंकि उनकी तो कॉस्ट की पावर परसों से ही शुरू हो चुकी है और मस्त चल रही है। अमित भाई की पावर, ऑडिट पावर खत्म होने के बाद कॉस्टिंग का पावर, वाह वाह वाह, पावर ही पावर, ओवरडोज ऑफ पावर। चलिए, तो जो लोग अमित भाई को नहीं जानते हैं, क्या बोला, ये कैसी बात है, और तुम सी इंटर के बच्चे और अमित भाई को नहीं जानते हो। अमित भाई उभरते हुए सितारे हैं, बच्चों के बड़े प्यारे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स ही कुछ न्यारे हैं और बच्चों के मार्क्स और वो बच्चों के दुलारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अमित भाई takes cost, FM and SM and he started taking the power batch और ऑलरेडी YouTube पे उसके 2 लेक्चर्स हैं। आप अगर ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी कॉस्टिंग की चल रही है, उसके बाद FM SM की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अमित भाई प्लीज़ आप चैट में लिंक दे दीजिए आपके चैनल का, क्योंकि वो क्लासेस अमित भाई के चैनल पर होती हैं। ये सब फास्ट के ही चैनल है, लेकिन आपका डायरेक्शन रह सके इस कारण से अलग अलग चैनल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। चलिए, हर्षित भाई एग्जामिशन लाने पर बहुत बहुत बधाई हो आपको और धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। इस बार सीए फाइनल के एफआर की पावर नहीं हो रही है क्योंकि वो अभी हमने ली थी, तो इस कारण से वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अभी अपन ऑडिट पावर पर फोकस कर रहे हैं, इसकी इंटर की। चलिए, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या शामिल होता है बेटा, आ जाओ। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या शामिल नहीं। Responsibility of preparation and presentation of financial statement lies with the manager. एक चीज समझ लो दोस्तों, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता। अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि ऑडिटर को ऑडिट शुरू करने से पहले क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट रिपोर्ट, तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उप्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, हमारी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे स्कोप के बाहर होती है, जैसे कि कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन की फिजिकल कंडीशन के, तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं मशीन का एक टेक्निकल इवैल्यूएशन करके कमेंट कर पाऊँ कि भैया मशीन की लाइफ जो मैनेजमेंट ने सोची है वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो एक इंजीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट का काम। सिविल स्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग काम करेगी या नहीं। बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि एक ऑडिटर का ऑडिट कंप्लीट हो गया और ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद में कंपनी की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी और गिर गई, जिस कारण से कंपनी की वो ओनली बिल्डिंग थी, अनइंश्योर्ड थी, गिर गई, उसके गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ गया है। क्या ऑडिटर इसके लिए जिम्मेदार है? हम बोलेंगे भाई ये मेरे स्कोप के बाहर है। ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है स्कोप से आंसर बनेगा। हालांकि इंटर में इतने टिपिकल नहीं आते, बट समझाने के लिए क्या पढ़ रहे होता है। Similarly, genuineness of document cannot be authenticated because he is not an expert in the field. तो भैया मैं कोई CID का सारूक ही नहीं हूँ जो चेक करके लेबोरेटरी में वेरीफाई करके बता दूंगा कि हाँ सिग्नेचर उसी ने करी है, फेक नहीं। तो फेक और ओरिजिनल के बीच में बाइफर्केशन करना इन्वेस्टिगेटर का काम है। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ भाई, मैं एक सामान्य ऑडिटर। इसी से आता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में डिफरेंस है। ये आपका 3 सितारा पॉइंट है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फर्क है, स्कोप ऑफ ऑडिट का ही पार्ट है ये। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में सबसे बड़ा फर्क है बेटा कि इन्वेस्टिगेटर मान के चलता है तुम झूठे भरे भी बदमाश हो। जैसे अपनी कंप्लेन आई स्कूल से कि भैया आपके लड़के ने स्कूल में बम फोड़ा है, और अगर फोन उठा लिया बाबूजी ने, तो माऊजी एकदम हमारे पास आएंगे और ऐसे ही कॉलर पकड़ के लाएंगे और बोलेंगे एक लगाएंगे पहले, और बोले क्यों रे तूने फिर बम फोड़ा। वो मान के ही चल रहे हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने खून पर। क्यों? क्योंकि बाप भी कभी बेटा था, ये सब उन्होंने भी करा। एनीवेज, तो उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो मान के चल रहे हैं कि तूने ऐसा किया ही होगा। ये इन्वेस्टिगेटर होता है, ही प्रिज्यूम्स दैट फ्रॉड हैज हैपेंड, ही एक्ट्स लाइक दैट। लेकिन यही फोन अगर मॉम के पास आएगा और मोर इम्पोर्टेंटली लेट्स से दादी जी के पास आएगा, और हमारी दादी जी ऐसे बहुत कड़क है, मतलब समझ रहे हो आप, बार टाइप से एकदम ऐसे बढ़िया डायमंड नेकलेस और ये वो जो एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं ना उनमें जो दादी जी होती है एकदम खतरनाक वाली, कंट्रोल करके रखती है वो वाली। उनके हाथों में वो बीट्स वाली माला नहीं है, हीरो की माला रहती है जो वो यहाँ पहनती है, हाथों में नहीं, यहाँ। इस टाइप की दादी जी है, तो ये दादी जी क्या करेंगे, उनके पास फोन आएगा तो वो ये मान नहीं लेंगे कि वो क्या है, अपना ही पोता, अपना ही ग्रैंडसन बदमाश, वो पता करेंगी, चेक करेंगी, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगी। ये फर्क है इन्वेस्टिगेटर और ऑडिटर। तो हाथ उठाने टाइप की टेक्निक भी यूज नहीं करती है। तो इसके लिए कहते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात एक चीज समझ लो, ऑडिटर कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है अलेज्ड रॉन्ग डूइंग पे कि किसी ने गलत किया और मुझे प्रूव करना है उसने की, इसलिए हमारे पास ऐसे कोई लीगल पावर भी नहीं है कि हम किसी से गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा के पूछ लें। तो गीता कुरान बाइबल पे हाथ रखवा के बोला क्लाइंट को जो भी बोलेगा सच बोलेगा। ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि मालूम पड़ा डायरेक्टर के रूम में माइक्रोफोन छुपा दिया हमने। एक हमारा बहुत ही बारीक सा आर्टिकल है, तो जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो उसको हम क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग जहाँ होती है उस रूम में गमले के पीछे छुपा देते हैं कि चुपचाप सुनना सब क्या बातें कर रहे हैं, अंदर अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। ऐसी सब तरकीब आपके पास नहीं है। तो हमारे प्रोसीजर्स में भी लिमिटेशन है। हमारे पास सर्च करना, विटनेस के रूप में ऐसे कटघरे में खड़ा करके ओथ पर एग्जामिन करना, ये सब हमारे ऑफिशियल पावर नहीं इन्वेस्टिगेटर के पास होते हैं। इन्वेस्टिगेटर एक स्पेशल पर्पस के लिए काम करता है, वो ऐसा नहीं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसको जहां फ्रॉड के लिए बताया गया इन्वेस्टिगेट करो, वहीं पे चेक करेगा। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये अपन ने पढ़ाई है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव। इसलिए हम बहुत जेनरिक है, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पेसिफिक है, कॉमन सेंस आई थिंक आप ये एग्जाम्पल दे पाओगे। तो क्या लिखेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में फर्क है, टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं। तो क्या क्या पॉइंट लिखना है अपने को, सबसे पहली बात ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है क्योंकि ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं होते हैं सर्च करने के, ओथ पे एग्जामिन करने के। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक होता है, ऑडिट जेनरिक होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और इसलिए ये समझ लीजिए कि हमारा स्कोप इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ ओपिनियन देने का है। ये स्कोप वाले पॉइंट है, थ्योरी पॉइंट से इस पूरे में इन्वेस्टिगेशन ऑडिट वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कॉमन है। स्कोप में अगर एग्जाम में पूछेंगे कि स्कोप में क्या आता है तो ये लिखना है, अगर आता है क्या नहीं आता है तो ये लिखना है। यानी आपको यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप लिखना है। समझ में आया क्या बोला मैंने बेटा? हेलो 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 हेलो, क्या होता है बेटा, कई बार आप है ना चीज़ों में अंदर इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आप यही भूल जाते हो कि पढ़ क्या रहे हो। ध्यान रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्कोप में क्या आता है, तो ये वाले 4 पॉइंट लिखना। पूछ रहा है ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता है तो ये लिखना, क्या नहीं आएगा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपर्ट वाले काम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है और इन्वेस्टिगेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो 4 पॉइंट लिखना है। तुम्हारे मन में 6 और आ सकते हैं पर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिले तो मैं तो पेन नहीं उठाऊं, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है, तो लिखेंगे वही जिसके मार्क्स है। और क्या चीजें आती है उसके भी 4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या आएगा, सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना है, हम कंट्रोल्स भी देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेने के लिए, तो सब चेक हो सकते। पर हमें चेक करना अल्टीमेटली रिपोर्ट किस पे करना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्या कि वो रिलायबल है और उसके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है, ताकि हम फाइनली क्या कर सके, ओपिनियन दे सके। तो ये 4 पॉइंट आप कैसे याद रखोगे, सारे एस्पेक्ट कवर होंगे पर फोकस फाइनेंशियल पे होगा ताकि ओपिनियन दे सके। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमें ये चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है और जो डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो सही है। ऑल एफ आई ओपिनियन, ऑल एफ आई ओपिनियन, ऑल एफ आई रिलायबल सफिशिएंट, financial information at the same point properly disclosed and opinion। 4 चीजें स्कोप में हैं, 4 चीजें स्कोप में नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एक्सपर्ट वाले काम जैसे टेक्निकल इवेल्युएशन ऑफ असेट, ओरिजिनल या फेक है डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन। 4 इन 4 आउट, 4 इन 4 आउट। याद रखना स्कोप में क्या आएगा, 4 पॉइंट, नहीं आएगा 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जी सर आ गया। तो इसी के साथ तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया, 5th स्कोप ऑफ ऑडिट। अब आ जाते हैं किस पे, 6th इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वंस अगेन 3 स्टार पॉइंट। एक ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता? जब मैंने ये सवाल आप लोगों से पूछा जिसको आपने चैट में देखा, और हमने इसके ऊपर क्या कंक्लूड किया, हमने देखा कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर प्राप्त करता है और देता है, जिसका मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो किसी बच्चे के मन में इच्छा हुई होगी ये पूछने की कि क्यों सर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। हमारे इन इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारण हम चाह कर भी ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसी क्या सीमाएं हैं सर आपकी, ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन ये है बेटा कि जिसके ऊपर तुम ओपिनियन दे रहे हो कमबख्त, तो वो चीज ही अपने आप में गारंटीड सही नहीं है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, और हेलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो क्या जो चीजें हो चुकी है ऑलरेडी उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास हमेशा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, या कई बार आपको एस्टिमेट भी लेने पड़ते हैं? जैसे अगर आपके अगेंस्ट में कोई कोर्ट में केस लगाए, तो कोर्ट केस आपके अगेंस्ट में लगाए, तो आप क्या उस केस में, अभी केस हारे नहीं है तो प्रोविजन बनाएंगे या कंटिजेंट लाइबिलिटी? अमाउंट क्या डिस्क्लोज करो? क्या ये फिक्स है, तय है, या ये एक जजमेंट है? मतलब क्या है दोस्तों, सुनना मेरी बात को ध्यान से। दो स्टूडेंट थे मेरे, एक स्टूडेंट को मैंने मैथ्स का एक प्रॉब्लम दिया कि बता बेटा 2+2 क्या होता है, और दूसरे स्टूडेंट को मैंने एक आर्ट का प्रॉब्लम दिया जिसमें मैंने पूछा उससे कि बता कि अगर पॉल्यूशन ऐसे ही होते रहेगा तो 10 साल बाद टेम्परेचर हमारे ग्लोब का, वर्ल्ड का क्या होगा? पहले वाले का जवाब जो है वो सही या गलत कहा जा सकता है, पर दूसरे वाले का जो जवाब है उसमें आप सही या गलत दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि पहले वाले को आपने जो चीज दी है वो एक मैथ्स है, साइंस है, 2+2 4 है, ट्रू और फॉल्स होता है, पर दूसरे वाले को आपने जो चीज दी है उसमें एक जजमेंट इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। इट इज अ आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। The problem is accounting is a combination of science as well as arts. मुझे पता है कि अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो बुक्स में 100 पे ही रिकॉर्ड होगी, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन आपने कोई 100 लाख का असेट खरीदा है जिसकी लाइफ आप 10 साल अनुमान लगा के हर साल 10 लाख डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन 10 लाख एवरी ईयर इज एन एस्टिमेट। यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी राइट. When the financial statement itself cannot be 100% accurate because your estimate may go wrong, because they are estimates and financial statements are based on estimates. Because we use accrual principle, we use conservatism, we don't use cash basis. बोल सकते हो आप cash flow statement 100% accurate हो सकते हैं क्योंकि they only prepare or they only show the cash flows. वहाँ पे non cash items सारी हट जाती है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L एक्यूरेट 100% हो ही नहीं सकती। तो जब कोई चीज़ ही 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है, एस्टिमेट्स पर बेस्ड है, जजमेंट्स पर बेस्ड है। आप किसी चीज़ को करंट क्लासीफाई कर रहे हो, ये आपका जजमेंट है कि आप उसे रियलाइज कर लोगे 12 महीने में, ज़रूरी नहीं है कर ही पाओगे। तो जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट पर बेस्ड है, इसका मतलब है कि आप एक चीज़ समझ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो सकते हैं। तो जब जो चीज़ पर आप रिपोर्ट कर रहे हो वही गलत हो सकती है, तो आप खुद कहाँ से 100% गारंटी से बोल पाओगे कि ये सही? साथ ही साथ में मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो कंट्रोल्स यूज करके बनाता है। कमबख्त ये कंट्रोल्स भी जरूरी नहीं है 100% सही हो, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आल्सो। इस कारण से भी ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन के 4 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है आपको ये पता भी होगा अच्छे से। तो ज़्यादा समय ना दिए हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला, हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मेकिंग मेनी जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट। तो इसमें दो चीज़ें बस याद रखना कि एक तो मैनेजमेंट के जजमेंट इन्वॉल्व है और दूसरा कंट्रोल है, लिमिटेशंस हैं इंटरनल कंट्रोल के। अपन आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिससे आप खुद आश्वस्त नहीं होगा, मैनेजमेंट खुद श्योर नहीं होगा कि मैंने सब सही रिकॉर्ड किया है। कई बार मैनेजमेंट भी फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ऑडिटर कहाँ कर पाएगा बेचारा। फिर मेरा ऑडिट प्रोसीजर की लिमिटेशन, सोचो कितना अच्छा होता कि अगर ऑडिटर के पास एक राइट होता कि उसकी जिसको इच्छा उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा के ऑडिट कर ले। अपन ऑडिट अलग स्टाइल से करते हैं बॉस, अपने को ये सब जमता ही नहीं है, अपन मस्त ऐसे जाते हैं और हम डायरेक्टर को बोलते हैं ऑडिट शुरू हो रहा है, डायरेक्टर बोलते हैं हाँ, तो हमने बोला चलो हाथ पकड़ते, ये चेयर पे बिठा दिया उसको और ये हाथ बांध दिया उसके दोनों, और हमने बोला गर्दन पीछे करो, गर्दन भी बांध दी और सर के ऊपर उसके क्या लगा दिया, एक पूरा इक्विपमेंट लगा दिया और हमने बोला ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है। अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, अगर तुमने कहीं भी झूठ बोला तो पकड़े जाओगे। ऐसे हमने एम्प्लॉइज, जितने कंपनी के मेजर एम्प्लॉइज है 10-20 एम्प्लॉइज को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा के ऑडिट कर डाला। अरे 2 दिन में सारी चीजें बाहर निकल के आई। ये अपना टशन है बेटा, ऐसे टशन से ऑडिट नहीं होता। ये प्रोसीजर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, चुपचाप है ना, ये बटन लगाओ, ये खोल वोल के कुछ नहीं, ऐसे सीधे साधे आदमी बन जाओ और चुपचाप ऐसे एकदम नतमस्तक होकर ऑडिट करो। तो हमें क्या करना है, एक तो सैंपल टेस्टिंग करनी है, पूरी का समय नहीं होता है। दूसरा मैनेजमेंट हो सकता है कंसील करे, फ्रॉड आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन होंगे, हो सकता है दोनों ही पार्टी मिली हुई, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओ, तो आपके पास तरीके नहीं है दूसरे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स। हमारे ऑडिट प्रोसीजर की लिमिटेशन है, वी हैव नो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स। और क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स नहीं है, इसलिए रिलेटेड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, मैनेजमेंट ने मिलके कोई फ्रॉड किया है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लस टेस्ट चेकिंग भी एक हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है बेटा, हम अनलिमिटेड ऑडिट नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव लिमिटेशंस। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड डिटेल पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसलिए हमारे पास एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं आ सकता। प्लस समय के साथ साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोविड का समय जब आया था तो बहुत सारी होटल्स ने अपनी बुक में लॉस बुक किया था, इम्पेयरमेंट लॉस, AS 28 पढ़ा हुआ आपने तो। जबकि आपको मालूम है दोस्तों, कोविड के 2 साल के बाद में अब होटलिंग इंडस्ट्री के लिए जो समय आया है उससे बेहतर समय आज तक कभी होटल इंडस्ट्री ने नहीं देखा है भारत में। इतना बिजनेस उन्हें मिल रहा है क्योंकि कोविड ने लोगों को यह सिखा दिया कल होना हो तो आज मजे कर लो। पूरी दुनिया ये समझ चुकी है एक्सेप्ट CA स्टूडेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि कल होना हो आज मजे कर लो। तो होटल इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, पर उन्हीं लोगों ने एक समय इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था। हो सकता है आज आप पीछे पलट के देखो तो आप बोलो अरे कंपनी ने गलत किया इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना। नहीं, उस समय के अनुसार वो डिसीजन सही था। तो क्या है कि समय के साथ साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी कम होती है, रेलेवेंस कम होते जाता है, पुरानी चीज़ों के जजमेंट्स एस्टिमेट्स चेंज होते हैं। प्लस कई बार कोई फ्यूचर ऐसी इवेंट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती है, जिस कारण से चलती हुई कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। अरे भगवान, इसमें क्या, मैं तुमको बस इतना लिख दूँ, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। क्या टशन था बेटा बायजूस का। हमको आके लोग बोलते थे अरे यार सार्थक सर क्या कर रहे हो, बायजूस जैसा कुछ बड़ा करो। अपने को भी लगता था यार बोल तो रहे सही बोल रहे हैं, पर अपने को लगता था नहीं यार ठीक है, अपन बड़ा करे नहीं करे कोई फर्क नहीं करता, अपने बच्चे बड़े काम करना चाहिए। Thank you so much sir for keeping the power batch on YouTube, means the world to us students. वरदान, तुम्हारा ये कमेंट एक शिक्षक के लिए वरदान से कम नहीं है। योर विशेस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अब अपन ने एक बीड़ा उठाया है कि ऑडिट इंटर हो या फाइनल में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो सारी परेशानी अब अपने को खत्म करना है। भारत से अब ऑडिट का डर मिटेगा। ज़्यादा हो गया, ठीक है, मिट रहा है या नहीं? अभी तक की बात सुनने के बेसिस पे क्या लग रहा है, मिट रहा है या नहीं? कमेंट में बताओ। लक्ष्य बोल रहे हैं ज्यादा हो गया सर, बस बहुत हो गया। आइए दोस्तों, व्हाट इज एन एंगेजमेंट। मैसेज वापस ले लिया भाई ने, बोले यार अपन तो पास हो गए, फाइनल में आ गए, काहे परेशान हो गए। व्हाट इज एन एंगेजमेंट देखें तो दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि एंगेजमेंट शब्द आता है इंटर में, मैंने ऐसा देखा है कुछ स्टूडेंट एंगेजमेंट शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने इसे डिफाइन कर दिया। मिट रहा है बहुत बढ़िया, और किसी का तो मिट भी गया, सीए बन गया बोले, इसलिए तो दोस्तों एंगेजमेंट शब्द से परेशान मत होना। ये वो एंगेजमेंट नहीं है हेलो 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 लड़कियों, ये वो एंगेजमेंट नहीं है, तुम्हारा ध्यान उधर मत जाए। एंगेजमेंट का मतलब है असाइनमेंट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, बस। तो उसको एंगेजमेंट शब्द यूज करना। एंगेजमेंट का मतलब है एक अरेंजमेंट कुछ करने के लिए, यानी एक सिंपल फॉर्मल अग्रीमेंट, कुछ नहीं है रे, कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें हमने क्लाइंट का ऑडिट करने की बात की है। तो इसका एक एंगेजमेंट लेटर होता है। चैप्टर 11 में अपन इसे 210 में एंगेजमेंट लेटर पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पीयर भाग रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम खत्म कर देंगे बेटा। ऑडिट तुम ऐसा बोलोगे कि हे भगवान, ये पेपर ऑडिट के ले ले, बाकी सब छोड़ दे, पर ऑडिट जरूर लेना। ज्यादा हो रहा है सर, प्लीज थोड़ा कंट्रोल करो इमोशंस को। अरे यार वापस आ जाए, अपन थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस पे अपने को क्या पढ़ना है, अपने 5 पॉइंट से। चलो आ जाओ, 3 स्टार लगाओ। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट के आते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कारण, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें एस्टिमेट्स है, जजमेंट्स है। दूसरा, ऑडिटर के प्रोसीजर्स के कारण। तीसरा, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। चौथा, हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, इन्फॉर्मेशन समय के साथ साथ आउटडेट होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और आखिरी, फ्यूचर इवेंट्स कई बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिस कारण से चलती हुई कंपनियां बंद हो जाती है। इसका ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ऑडिटर कभी भी क्या नहीं कर सकता है, गारंटी नहीं दे सकता। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा? कई बार स्टूडेंट है ना, ये रिलेट नहीं कर पाते कि सर ये वाले पॉइंट्स किस क्वेश्चन में लिखना है। इसमें क्वेश्चन ये आएगा, ऑडिटर कैनॉट guarantee the future viability of the business of entity, why? आप लिखोगे आंसर, auditor only obtains reasonable assurance and suffers inherent limitation, और ये सारे पॉइंट लिखोगे 5। आया समझ? आया समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन अब पढ़ के मतलब नहीं है, क्योंकि मैं 24 में आ गया तो वापस नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं बेटा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये समझ में आ गया आपको। व्हाट इज एन एंगेजमेंट समझ में आ गया। ये असाइनमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लाइंट के साथ, जिसमें हमने प्रॉमिस किया है, हमने अग्रीमेंट किया है, जिसमें हमें पैसे मिलेंगे, ऑडिट फीस, और हम ऑडिट करके देंगे। तो ऑडिट सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट, उसे असाइनमेंट कहते हैं या एंगेजमेंट कहते हैं। ऐसा हम कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स को कॉन्फिडेंस बढ़ा के देते हैं। इन्हें रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहा जाता है। जैसे कंपनीज को एनुअल अकाउंट ऑडिट कराना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट में कंपलसरी होता है क्या? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में भी है कि अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना है, लिमिट से कम है और आप इनकम कम दिखाना चाह रहे हो तो ऑडिट कराना है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज में, रेगुलेशंस में रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, शिंदे थैंक यू भाई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, बढ़िया है, आगे बढ़ते जा रहे, चलते जा रहे हैं। इसी के साथ आपका कौन सा पॉइंट पूरा हो जाता है बच्चों, बोलो। तो ये आपका 7वां पॉइंट हो गया, एंगेजमेंट क्या है। अब आ जाओ 8वां पॉइंट पे, बेनिफिट ऑफ ऑडिट। क्यों ऑडिट चाहिए, क्यों चाहिए हमें ऑडिट? ये अपन ने डिस्कस कर लिया, अभी बताया था अपन ने शुरू में ही कि इंडिपेंडेंट ऑडिट के फायदे क्या है। तो अपन ने बोला था बहुत सारे फायदे हैं सर। नंबर 1, यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनकम टैक्स वालों को बेहतर रहेगा, टैक्स अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेंडर्स और बैंकर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोन देने से पहले, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। इन जनरल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी है, मैनेजमेंट को पता पड़ेगी, मैनेजमेंट के लिए बेहतर है, फ्रॉड्स और एरर पता पड़ सकती है। तो ये सब आपके पॉइंट्स। चलिए, अपना जो ये ऑडिटर भाई है दोस्तों, ये जो ऑडिट कर रहा है, ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी? अभी बताया कुछ एक्ट में मैंडेटरी किया है, बाकी अगर मैंडेटरी नहीं है फिर भी आपको कराना है तो करा लो। कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, हर कंपनी को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी स्टार्ट हुई है, उसके पहले फाइनेंशियल ईयर है और साल भर में उसने बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो क्या इस साल उसे ऑडिट कराना है? कंपनी का कहना है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है तो ऑडिट नहीं कराना है। आपको कहना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में हर कंपनी का ऑडिट कराना अनिवार्य है। When I say every company, what does it means? Every company means one person company, small company, dormant company, listed company, public company, private company, government company, not for profit company. अरे बोला ना every company, ये तो सर चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो, समझ में आए तुमको। Every company means no exceptions. One person company, dormant company सबको कराना है, कोई एक्सेप्शन नहीं, सारी कंपनियों को कराना है। हाँ बेटा, ऐसा कहाँ दिया है? कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 139, वो ऐसा कहता है। इसे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उसे वो लोग दाल रोटी सेक्शन कहते हैं। बोले इससे ही तो हमारी दाल रोटी चलती है, ये पलता है हमारा पापी। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में हटा दे और बोल दे कि भैया हर कंपनी को नहीं कराना है, तो सीए की क्या होगी? कमाई कम होगी ना, आप सब कंपनी को कराना नहीं वाले। इनकम टैक्स एक्ट में बोला है टर्नओवर क्रॉस होता है तो स्कूल कॉलेज वगैरह में अगर आपको सरकार से ग्रांट लेना है तो कंपलसरी है। आरबीआई कहता है किसी को 10 लाख से ऊपर का वर्किंग कैपिटल लोन लेना है तो बेहतर है कि उसका ऑडिट कराए। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कभी लॉ ने बोला ही नहीं अगर आने का, फिर भी क्या मैं अपनी इच्छा से वॉलंटरीली करा सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि लॉ बोलेगा तो ही कराना है। चलो एक बात बताओ, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? जो उसे अपॉइंट करेगा। तो अगर आरबीआई ने अपॉइंट किया तो आरबीआई को देगा, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया शेयर होल्डर को। नॉर्मली किसे देता है? कंपनीज के केस में शेयर होल्डर को, फॉर्म के केस में पार्टनर्स को, यानी कि ओनर्स को। ठीक है, उसे रिपोर्ट दी जाती है। बढ़िया हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या कि हमारा ऑडिटर भाई जो ऑडिट कर रहा है उसमें उसे अपॉइंट किसने किया है। जो अपॉइंट कर रहा है उसी को हमें ओपिनियन देना है, तो कमबख्त अपॉइंट किसने किया है? तो कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट बोलता है कि शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर नॉर्मली शेयर होल्डर ओनर ही करता है अपॉइंट, ऐसे याद रख लो आप। तो पर गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, क्योंकि सरकार ओनर है तो सरकार ने एक अलग आदमी को अपॉइंट कर रखा है जिसे बोलते हैं सीएनडी जी। उसको बोल रखा है भैया तुम हमारी गवर्नमेंट कंपनी का सब ऑडिट वॉडिट देख लो, हमारे पास बहुत सारे काम है, तुम भी भाई एक सरकार का ही डिपार्टमेंट हो, तुम करो हम करें, एक ही बात है। तो इसके लिए वहां पे सीएनडी जी को पावर दिया। ये नोट्स बेटा टेलीग्राम चैनल पर है, पिन किया हुआ मैंने, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फर्म के केस में पार्टनर कर देते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी के केस में हो सकता है लॉ बोले गवर्नमेंट अथॉरिटी को, या ऐसा हुए सीएनडी जी को। सर अभी आप बोल रहे थे गवर्नमेंट में सीएनडी जी करेगी, तो देखो गवर्नमेंट कंपनी में सीएनडी जी करता है पर कई बार लॉ किसी और को भी बोल देता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, एसबीआई के केस में जो ऑडिटर होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि वो गवर्नमेंट कंपनी। या रीजनल रूरल बैंक्स के केस में जो स्पॉन्सरर बैंक है वो अपॉइंट करती है। ये कोर्स में है बैंक ऑडिट, अपन देखेंगे। स्पॉन्सरर बैंक मतलब क्या होता है? आरआरबीज नेशनलाइज बैंक बनाती है तो नेशनलाइज बैंक ऑडिटर अपॉइंट करती है। तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हर कानून में अलग अलग नियम हो सकते हैं। जनरल नियम है, यूजुअली अपन बोल सकते हैं कौन करेगा? ओनर्स। नॉट ऑलवेज, यूजुअली, बट एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन एक्सेप्शंस पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आखिरी चीज इन सब में आप कि ऑडिटर क्या कर रहा है, एक तरह का अश्योरेंस दे रहा है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ही तरह की होती है या अलग अलग तरह की होती है? तो अश्योरेंस एंगेजमेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है। क्या ऑडिट एक प्रकार का अश्योरेंस है? यस। क्या ऑडिट एक प्रकार का अश्योरेंस है? यस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आश्वासन। तो ऑडिट एक प्रकार का आश्वासन है जहां पे हमें एक सीए को प्रैक्टिशनर का है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सीएन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक ऐसी एंगेजमेंट है, असाइनमेंट है जहां पे प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन देता है जिससे कि यूजर का कॉन्फिडेंस अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन है रिस्पॉन्सिबल पार्टी? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, मैनेजमेंट। अबाउट इवेल्युएशन और आउटकम ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया पड़ता है। आपको ज़्यादा समझना है तो मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है दोस्तों आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। साल भर में जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो इवेंट्स हुई हैं, जिनकी अकाउंटिंग करना है, ये सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। क्राइटेरिया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसीज, जिसके आधार पे इसकी अकाउंटिंग करना है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट, जिसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें को अपन एक एक करके पहले टर्म समझते हैं, उसके बाद फिर इंश्योरेंस एंगेजमेंट दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब सर ये एश्योरेंस और ऑडिट में क्या फर्क है? चलो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। चलो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा सीए हो गया है, तुम्हारी जॉब लग गई है, फाइनेंशियली तुम अपने आप में मस्त सेटल हो गए हो लाइफ में। हम बताओ क्या आखिरी अगली ख्वाहिश क्या है? शादी। क्योंकि उसके बाद तुम लाइफ लॉन्ग ख्वाहिशें ही पूरी करते रह जाओगे उसकी। सर हाउ डेयर यू, लड़किया बोल रही है। नो नो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो घर वालों ने पूछा कि भैया आप शादी कर ले, बहुत हो गया। हमने बोला हम तो कब से बोल रहे हैं, करा ही नहीं रहे। घर वालों ने बोला कोई है तो बता दे। हमने बोला दोबारा मत पूछना, सीए में डाल दिया था। हमने सीए किया फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ, 46th ऑल इंडिया रैंक, सीए फाइनल 2003। कहाँ से होगी हमारी दूसरी, एक कोर्स मैनेज नहीं हो रहा, दूसरी मैनेज करेंगे। तो घर वालों ने बोला ठीक है कोई नहीं है तो हम ढूंढ देते हैं। घर वालों ने हमें एक प्रपोजल दिया, दिए बहुत सारे, पर इस बार हमको घर वालों ने एक प्रपोजल दिया और उसमें फोटो लगा हुआ था ऊपर और पीछे था बायोडेटा। बस हमने फोटो देखा और हमने बोला कर लो। घर वालों ने बोला कि अरे बायोडेटा तो पढ़ ले। हमने बोला अरे हम तो फेस रीडर है, फेस पे जाते। हाँ हाँ बेटा हो जाएगी। हमने बोला अरे बढ़िया कर लो, ये तो बुक करो हाथ से निकले उससे पहले, फटाफट बुकिंग रजिस्ट्री डन। तो घर वालों ने बोला अरे बायोडाटा देख ये सीए की स्टूडेंट रही हुई है। हमने बोला पॉसिबल ही नहीं है, सीए में तो ऐसी थी नहीं। घर वालों ने बोला अबे तूने ऑनलाइन क्लासेस की थी ना, ज़्यादातर तेरे को नहीं पता होगा। हमने बोला हाँ सही है, क्योंकि अपने शेयर की सीए की और ये फोटो, हमने बोला अपने से मिस ही नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि वो हमसे 2 बैच जूनियर थी। तो हमने फ़ोन लगाया किसको, तो हमारे ही ग्रुप में एक बंटी है। बंटी भाई ने हमारी बैच करी थी, फिर उसके बाद अगली बैच उसने फिजिकल करी थी, फिर उसके बाद उसने अगली फिजिकल ऑनलाइन दोनों ली थी। उसका ये मानना था कि मेरी सारी समस्याओं की दिक्कतों का कारण गलत फैकल्टी की चॉइस है। तो फैकल्टी बदलते रहा बदलते रहा, तो उसको सबका ज्ञान है, इंसाइक्लोपीडिया है वो हमारे ग्रुप का। टेलीफोन डायरेक्टरी है, येल्लो पेजेस है, जस्ट डायल नाम है उसका, इसका बंटी का, हमारे ग्रुप। हमने बंटी को फ़ोन लगाया और हमने बोला हाँ भाई जस्ट डायल क्या चल रहा है। उसने बोला बता किसके बारे में पूछना। हमने बोला तुझे कैसे पता। उसने बोला लोग हमको बहुत दिनों बाद फोन लगाते तो इसीलिए लगाते। हमने बोला यार देख सुन, शादी का प्रस्ताव आया है, स्वीटी नाम की लड़की है और इसके बारे में तुझे पता करके बताना है। अपने से 2 बैच जूनियर में थी, तू पढ़ा हुआ होगा उसके साथ। उसने बोला अच्छा स्वीटी शर्मा। हमने बोला तू जानता। उसने बोला अरे इससे कौन नहीं जानता, दिल के अरमान। हमने बोला क्यों भाई, इसे हर कोई क्यों जानता। उसने बोला अबे टॉपर थी क्लास की। हमने बोला थैंक गॉड, ये अच्छी खबर सुनाई। हमने बोला यार भाई इसके बारे में पता करता हूँ। उसने बोला यार देख ये तो 5-1 साल पुरानी बात हो गई है, उस समय अपन बैच में साथ में थे। हमने बोला यार भाई पता करके बताना। उसने बोला नो प्रॉब्लम। अब दोस्त अगर आपका बहुत ही नजदीकी और करीबी होगा तो वो अच्छे से पता करेगा। तो जस्ट डायल अपना बहुत नजदीकी दोस्त है और नजदीकी दोस्त को 5 साल बाद भी फोन लगाओ तो बुरा नहीं मानते, एकदम अपनेपन से मिलते। तो जस्ट डायल और बंटी ने बोला यार 3 दिन का समय दे दोस्त, सब बता देंगे। और मालूम है उसने 3 दिन में क्या किया? अरे भाई पूछो ही मत। भाई ने सब पता कर लिया, घर पता कर लिया, घर के बाहर 2-3 घंटे खड़े होके आ गया, देख लिया घर में कौन कौन रहता है, कौन बाहर कब निकलता है, और वो भी एकदम रात के समय कि कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी जा रहा है। आस पड़ोसियों से बात कर ली, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसकी फ्रेंड ढूंढ ली, उससे बात कर ली, सारी इंक्वायरीज ले ली। अरे स्वीटी शर्मा का फोन नंबर का कॉल लॉग निकाल के एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा दिए कि कोई एक ही नंबर पे बार बार बात तो नहीं हो रही है। अरे भाई बहुत जुगाड़ हुए। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद उसका हमारे पास फोन आया और उसने बोला भाई देख अपन ने ये सारे प्रोसीजर लगाया और हमारे हिसाब से कोई ऐसी चीज हमें तो नहीं लगी जो गड़बड़ है, इनफैक्ट हमें तो सब बढ़िया लग रहा है, तो हमारे हिसाब से सब ठीक है, बाकी तू तेरा देख ले। आप बताइए दोस्तों, बंटी ने स्वीटी शर्मा के लिए आपको जो आश्वासन दिया है, एश्योरेंस दिया है, उसने जो प्रमाण दिया है कि स्वीटी शर्मा इज मेड फॉर यू, क्या ये हल्का फुल्का आश्वासन है या हाई डिग्री का आश्वासन है या 100% आश्वासन है? इसे कहते हैं हाई डिग्री। क्यों हाई डिग्री है? इसे कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि उसने काफी प्रोसीजर्स लगा के सारी चीजों को वेरीफाई करके फिर उसके बाद आपने क्या किया? बोले किसी बोल रहा है, बोले मैं आया ही नहीं था इस धरती में, उससे पहले आपकी सीओ हो गए। भाई ये बाल ऐसे ही थोड़े ना सफेद हुए, अनुभव, एक्सपीरियंस, यो आ जाइए। चलो तो अभी ध्यान दो इसके ऊपर, है ना, ताकि घर में दूसरों के जन्म होने से पहले अपना सी हो जाए। आज साल शुभ शुभ बोलो। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? ये ऑडिट है। लेकिन वहीं पर सपोज फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अपन ने फोन लगाया जस्ट डायल को, अपना कोई बहुत करीबी जिगरी दोस्त नहीं था, हमने उसे फोन लगाया जस्ट डायल क्या कर रहा है? उसने बोला क्यों फोन लगाया बता। हम बोला यार किसी के बारे में पता करना था। उसने बोला यार भाई बहुत बिजी चल रहा है। हमने बोला यार भाई क्या कर रहा है यार भाई, भाई के काम नहीं आएगा, थोड़ा पता करके बता दे। उसने बोला अच्छा नाम बोल। हम बोला स्वीटी शर्मा। उसने बोला जानते हैं, कल तक बताते। हम बोला भले 3-4 दिन ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से पता करके बताना। उसने बोला हाँ 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 बता देंगे। उसका अगले दिन ही फोन आ गया। उसने बोला यार मैंने 2-3 लोगों से फोन लगा के पूछा है और वो जानते थे उसको, और उन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा फिर मैं पता नहीं कर पाया यार, तो जितने लोगों से मैंने पूछा उन्होंने तो कुछ गलत नहीं बताया, बाकी तू देख ले। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जस्ट डायल 1 और जस्ट डायल 2, यानी जो पहले वाले से आपने बात की और दूसरे वाले से बात की, क्या दोनों ने आपको एश्योरेंस दिया? यस सर दिया। लेकिन दोनों में से किसका एश्योरेंस अपने आप में एकदम हाई डिग्री का एश्योरेंस था, जिसे देख के अपने को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया है? सर पहले वाले जस्ट डायल का। जस्ट डायल मतलब पहले वाले दोस्त का। उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑडिट, रीजनेबल एश्योरेंस, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, सब सिनोनिम्स है। लेकिन जो दूसरे वाले केस में हमें एश्योरेंस मिला है ना, वो एक लिमिटेड एश्योरेंस है, बहुत हाई डिग्री का नहीं है, एक हल्का फुल्का है, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही वाला है। इसे कहते हैं रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस। पहले वाले में बंदा बोलता है मैंने चेक किया है, मेरे हिसाब से सब ठीक है, पर मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन है, 100% तो नहीं बोल सकता। दूसरा वाले में बोलता है मैंने थोड़ा बहुत चेक किया और मुझे कुछ गलत नहीं मिला है, बाकी तू देख ले। मैं ये तो नहीं बोल सकता सब सही है, पर मैं ये बोल सकता हूँ जितना मैंने देखा कुछ गलत नहीं निकला है, बाकी मैं बहुत ज्यादा तुझे कोई आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। इसे बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। तो बेटा आपको एक चीज समझना है, बहुत बढ़िया, सेकंड वाले ने लिमिटेड दिया है, फर्स्ट वाले ने हाई डिग्री का एश्योरेंस दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग अलग तरह की होती है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब सर्टिफिकेशन, गारंटी की ये सब कुछ जो मैंने बोला है वो एकदम सही है। पहले ये बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद उन पॉइंट्स पे जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट 2 है, एक रीजनेबल वर्सेज एक लिमिटेड। रीजनेबल को बोलते हैं ऑडिट, लिमिटेड को बोलते हैं रिव्यू। आपके सिलेबस में ऑब्वियस सी बात है ऑडिट है, पर आपके सिलेबस में ऑडिट और रिव्यू के डिफरेंस को पढ़ना भी है। तो रीजनेबल एंगेजमेंट क्या होता है? प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। हम इसमें बहुत इलैबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाते हैं, सही ऑब्टेन करते हैं। सही क्या है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बार बार आएगा ये नमूने। इससे हम रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ऑडिट। ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट लोअर लेवल एश्योरेंस होता है, प्योर प्रोसीजर्स लगते हैं। हम यहाँ पे एविडेंस सिर्फ लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए लेते हैं, ना कि रीजनेबल कंक्लूजन। जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये शब्द में है दोस्तों। तो ये नॉर्मली किन चीज़ों का होता है? जहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस से भी काम हो जाएगा कि भैया हमें ऑडिट ऑडिट नहीं चाहिए, आप तो बस एक लिमिटेड चेक करा के दे दो। नॉर्मली जो इंटरिम रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह होते हैं उसमें लिमिटेड चल जाता है। ये कंपैरिजन तुम्हारे सिलेबस में बेटा है ना, ध्यान रखना है, ये देखना है तुम्हें। ऑडिट वर्सेस रिव्यू का डिफरेंस क्या है? ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट बट रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। हम यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं जबकि यहाँ पे कम प्रोसीजर्स लगाते हैं और लिमिटेड कंक्लूजन है, पर दोनों ही हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। एक बात तो बनती है बेटा तुम लोगों से पूछना, समझ में आ गया ये? चलो जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? थोड़ा स्लो चल रहे हैं। हाँ 10 बज गई, बस 10 मिनट में कंक्लूड करेंगे। चलिए लेट्स ग्रो टुगेदर भाई, लेट्स ग्रो टुगेदर। बोल रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि सर सिर्फ चार्ट्स पढ़ रहे हैं, या खुदा लगता है छोरा अभी अभी आया है। लेट्स ग्रो टुगेदर नहीं हो सकता, ये नाम में ही गड़बड़ है इसके। बताओ बच्चों, जवाब दो इस छोरे को जो कह रहा है सर सिर्फ चार्ट्स पढ़ रहे हैं। जवाब दीजिए आप इस छोरे को। लेट्स ग्रो टुगेदर आया, समझ में आया? एलो एलो एलो, चलो सभी लोग जल्दी से बताओ, आपको ऑडिट और रिव्यू के बीच में फर्क समझ में आ गया? आ गया, आ गया, यस, बहुत बढ़िया। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, डिटेल्ड प्रोसीजर्स, रीजनेबल एश्योरेंस। जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता है? लिमिटेड प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू गिव लिमिटेड कंक्लूजन, लिमिटेड प्रोसीजर्स, लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये दोनों में फर्क है। दोनों तरह के असाइनमेंट हो सकते हैं। हाँ भैया, जिसको जो जरूरत है वो वाले असाइनमेंट करवाएगा, और क्या। जिसको लगता है कि हमें डिटेल में एश्योरेंस ही हो, डिटेल में लेगा। जिसको लगता है लिमिटेड में काम हो जाएगा, वो ऐसे होएगा। तो आपको मेरे एग्जाम्पल में सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ लो। शादी का प्रस्ताव आया स्वीटी शर्मा का, तो हमें क्या कराना चाहिए? ऑडिट। लेकिन लेट्स से सिर्फ दोस्ती का प्रस्ताव आया, टिंडर पर हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, सर टिंडर क्या होता है? अच्छा आप लोग बम्बल यूज करते हो, सॉरी। तो वहां पे हो सकता है कि आप एक लिमिटेड इंश्योरेंस लेके ही चले जाओ कि अपने कहा शादी करनी, इतनी डिटेल में लगाओ। समझ में आया? यानी दोनों के काम हुए, पर्पस दोनों यूज में आते, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों अपन किसके ऊपर? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? फॉलोइंग एलिमेंट्स कंप्राइज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सबसे पहले एश्योरेंस एंगेजमेंट में टोटल बताओ पार्टीज कितनी होती है? तो सबसे पहला होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मैनेजमेंट, जो जिम्मेदार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर है प्रैक्टिशनर, ऑडिटर या रिव्यूअर, जो इसके ऊपर अपना ओपिनियन देगा, एश्योरेंस देगा, इसे प्रैक्टिशनर कह दो। और यूजर्स हैं जो ऑडिटर की या प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट पढ़ेंगे, एश्योरेंस रिपोर्ट। तो 3 लोग हो गए। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। वो जो बेस इंफॉर्मेशन है जिसका ऑडिट हो रहा है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। हेलो 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 हेलो, आया समझ में? तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? जो इंफॉर्मेशन, यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ना, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसे सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। जिसका ऑडिट करना है, सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईसीएआई के गाइडेंस नोट, लॉज और रेगुलेशंस। तो ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसके बेसिस पे आपके जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट या डिस्क्लोज करते हैं। तो भैया एक चीज समझो, आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी जो आपने खरीदी है वो आपकी बुक्स में क्या दिखेगी? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या एक्सपेंस, या इन्वेंटरी। तो ये कोई आपको फ्रेमवर्क बताएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा भैया आपका बिजनेस गाड़ियों में ट्रेडिंग करने का है तो आपकी इन्वेंट्री है, पर अगर आप इससे टैक्सी चलाओगे तो इस केस में ये आपकी पीपी है। आप इसे सिर्फ रेंट पे दोगे तो हो सकता है ये एक इन्वेस्टमेंट हो। मतलब क्या हो गया इसका समझने के लिए कि आप इसे कैसे अकाउंट फॉर करोगे, इसके लिए आपको कोई सूटेबल क्राइटेरिया चाहिए जो आपको बताए कि भैया इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। भारत में वो क्राइटेरिया 90% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देते हैं, बाकी 10% कुछ कंपनी लॉ थोड़ा बोलता है, कुछ गाइडेंस नोट बोलते हैं। तो ये क्राइटेरिया का मतलब जिसके आधार पर आप अकाउंटिंग करेंगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, पर्याप्त। और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। एक शादी में गए और वहां पे मालूम है दोस्तों, शादी में आप गए और वहां पर 101 प्रकार की डिशेस थी, पर्याप्त थी। अब यार अनंत राधिका की छोड़ो तुम, हाँ तो 2500 एक फ्लोर पर तो 100 तरह की डिशेस थी, सफिशिएंट थी पर कमबख्त खाने लायक एक नहीं, टेस्टी नहीं। या यूं समझ लीजिए अपन जैनी आदमी और वहां पर पानी को छोड़ के कोई भी डिश बिना आलू प्याज लहसुन की नहीं थी। अरे कमबख्त आइसक्रीम भी प्याज की बनाई आज पहली बार देखी हमने तो। मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों आपको अप्रोप्रिएट। तो कई बार क्या होता है चीजें बहुत सारी होगी पर अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो आपके काम नहीं आएगी। तो हमें सफिशिएंट भी चाहिए ऑडिट एविडेंस और अप्रोप्रिएट भी चाहिए। क्विक एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कंपनी का कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, एक बार नहीं 2-3 बार कैश वेरीफाई करोगे सरप्राइज बेसिस पे, तो आपको सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा क्वांटिटी एक से ज्यादा। अब इसमें भी आप कैश वेरीफाई करने जा रहे हो और बोल के जा रहे हो कि हाँ भाई मैं कैश वेरीफाई करने जा रहा हूं, तो ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं। आपको सरप्राइज करना चाहिए तभी आपको एक क्वालिटेटिव एविडेंस मिलेगा। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करें। तो ऐसा बोलते हैं एक एविडेंस अपने आप में दूसरे एविडेंस से ज्यादा रिलायबल हो सकता है। तो अप्रोप्रिएटनेस बेसिकली रिलायबिलिटी और रेलेवेंस पे डिपेंड करता है। एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने आपको बोला कि यार कल क्लास नहीं है ऑडिट पावर की, तो आपके पास एक प्रूफ है दोस्त ने बोला नहीं है क्लास। लेकिन वहीं पर सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने सीए सार्थक नीरज जैन के टेलीग्राम चैनल पे गए जहां पे मैंने ये पोस्ट डाली है कि कल पावर बैच नहीं है, तो आप इस मैसेज को ज्यादा रिलायबल मानोगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहा है। तो दोनों तरह से आपको एविडेंस मिला है, एक सर ने दिया और एक फ्रेंड ने दिया, पर आप सर पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो क्योंकि सर की क्लास है तो उनका कमेंट ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर मैं बोल दूं क्लास है और वो बोल रहा है नहीं है तो आप मेरी बात मानोगे क्योंकि मैं ज्यादा रिलायबल हूं, यानी मेरा मैसेज या मेरा एविडेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए। तो हर एविडेंस एक जितना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, हमें वो एविडेंस चुनना है जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो और सफिशिएंट मात्रा में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। फाइनली क्या बोला है, ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट देता है जो राइटिंग में होना चाहिए। उसका फॉर्मेट क्या होगा वो आपको स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो ये सारी टर्म्स हमारी समझ में आ गई हमको, इसी को कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। बेटा ये 12 नंबर का पॉइंट है, इसके ऊपर 3 सितारे लगा दीजिएगा। इसी के साथ हमारा किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है। दिस कवर्स अप योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एश्योरेंस एंगेजमेंट के कुछ टाइप्स। इसके अलावा एश्योरेंस एंगेजमेंट के कुछ और टाइप्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिटी ऑफ ऑडिटर और एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ये एक पेज हमारा बाकी है लेकिन अब समय आज का हो गया है इसलिए अपन इसको इस पेज को अब यहीं पर रोकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन अपन यहीं पर कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा अपन ने स्लो लिया है, थोड़ी सी अपनी रिदम बैठ जाए, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पर दोस्तों जाने से पहले क्या आप 2 शब्द ड्रोन चार्ट के लिए कहना चाहेंगे? मैंने कोशिश आपके लिए ये करी है दोस्तों कि अब आपको ये समझ में आ जाए कि चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना है, इसका मतलब 14 पॉइंट्स रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट। और पढ़ भी अपन कैसे रहे हैं, पहले वाले पेज में अपन ने बोला पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कवर हो गया हमारा, चलो 1, 2, 3। फिर उसके बाद इसमें आए तो पॉइंट नंबर 4, 5 यहाँ पर आए तो अपन ने स्कोप ऑफ ऑडिट डिस्कस किया, इनहेरेंट लिमिटेशन 6, 7। फिर यहाँ पर आए तो अपन ने 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 पॉइंट आगे चल रहा है। फिर एक क्वालिटी ऑफ ऑडिटर 13 और एंगेजमेंट और वो स्टैंडर्ड्स 14। तो जब आप रिवाइज भी करोगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि भैया फर्स्ट चैप्टर में इतनी थ्योरी है, 14 पॉइंट एक एक करके सारे पॉइंट रिवाइज करो। तो जब भी आपको चैप्टर बड़ा लगे, बोरिंग लगे, तो आप ये सोचो ही मत ना कि आपको क्या करना है, चैप्टर 1 डिसाइड करना है, इतना थ्योरी। आपको यह करना है 14 पॉइंट पढ़ रहे। क्या होता है दोस्तों, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। तो कोई भी बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट किया जाएगा, हौले हौले, इतना देखो ही मत ये इतना बड़ा है। अरे दोस्तों अगर तुम ये देखोगे कि 50 ओवर के मैच में किसी ने 350 रन बना दिया और मुझे 350 स्कोर करना है, कभी नहीं जीत पाओगे, तोड़ दो टुकड़े में। मुझे हर 10 ओवर में 70 से 80 रन स्कोर करना है। तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें एक छोटा सा टारगेट दिखेगा, अचीवेबल लगेगा और टारगेट पे फोकस करके काम कर पाओगे। तो मैंने कोशिश ड्रोन चार्ट में ये करी है दोस्तों कि हर चैप्टर को सिर्फ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। ये पूरे आपके आईसीएआई के मॉड्यूल से मैच करते हैं, नंबर हो सकता है आगे पीछे हो बट पूरे वही पॉइंट्स हैं। और आप देखना आज कंपेयर करना आईसीएआई स्टडी मटेरियल को और इसको, और आपको देखने से पता पड़ेगा कि वही सब कुछ कवर हो रहा है। और चैप्टर खत्म होगा ना, फिर अपन आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देख लेंगे आगे के, तो ये अपनी मस्त तैयारी हो जाएगी, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। पर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, बस इस तरह से आपको पढ़ते जाना, तो इसको फॉलो करो, आपको ऑडिट पे पूरा कंट्रोल आएगा। पर मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। साथ में करेंगे, बाद में खुद को भी करना है रिविजन के दौरान, तब जाके कृपा आएगी पर आएगी। चलिए जी, ओके, बच्चे समझ के माफ कर देता है, ठीक है, चलो मजा मस्ती कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपना आज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। कल हमारी क्लास नहीं है, मंडे से अपन कंटिन्यू करेंगे। मेरी सीएफ फाइनल की एक पर्टिकुलर बैच है जिसका एक सेशन बाकी है बस, मैं कल उसको कंप्लीट कर दूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास का। वो कल एक मेरा छोटा सा सेशन बाकी है जिसमें एक थोड़ा मतलब 3 घंटे का सेशन होता है, तो कल वो चलेगा। और फिर फाइनल की हमारी कुछ ऑडिट की क्लास चल रही है, तो खैर एनी विच वेज मंडे से फिर अपन कंटिन्यूसली ले लेंगे। तो अभी आपके पास भी एक दिन है, बढ़िया, आपने नहीं देखा है तो आप इसको रिवाइज कर लो। ड्रोन चार्ट का प्रिंट जो अपने पास 2 चैप्टर के दिए अवेलेबल है, करा दो। ऑर्डर करना ऑर्डर कर दो। मैं अभी स्टाफ को बोल दूंगा कि आज कोई ड्रोन चार्ट के ऑर्डर आते हैं तो फटाफट प्रोसेस करके आज ही निकाल देना। अगर अभी ऑर्डर आता है 11-12 बजे 1 बजे तक के पहले, तो फटाफट क्या होगा, डिस्पैच करवा दें। ठीक है, चलिए। हार्ड कॉपी डीसी की है, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा लगता है सुनकर कि मटीरियल आपको पसंद आया, बट इंटरेस्टिंग बना देगा, इससे मजा आएगा ऑडिट पढ़ने में। अपने को ऐसे लगेगा कि क्या 150 पेज तो करना है, छोटा सा ऑडिट है, खत्म करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब तुमको 2 घंटे देके जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन माइंड में जो क्वेश्चन है वो देखना है। चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर मैं और बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है और एमसीक्यू कैसे करना है। टाटा, सी यू, बाय।